अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्त अहलहू फसल्लि अला मुहम्मदन कमा अन्त अहलहू फसल्लि अला मुहम्मदन कमा अन्त अहलहू फसल्लि अला मुहम्मदन कमा अन्त अहलहू वफ़अल बिना मा अन्त अहलहू फ़इन्नका अन्त अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जितने भी गुलाम थे, सहाबा और अहले बैत, जब किसी को दीन की दावत, इस्लाम की तरफ बुलाते थे तो एक लफ्ज कहते थे कि अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लिया सलामती में आ जाएगा। यानी सारी सलामतियों की जो वजह है वो इस्लाम है। इस्लाम सलामती से, मुसलमान सलामती से, ईमान अमन से, आमना अमन से। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा अम्मा अमन से, जो डिलीवरी के वक्त खातून थी उनका नाम शिफा था, अमन सलामती शिफा। और जो हलीमा सादिया थी रजी अल्लाह अन्हा, जो दाइया थी, वो भी अमन शिफा हिल्म सलामती दरगुजर। तो अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लिया सलामती पा जाएगा। बहुत बड़ा गुर है, बहुत बड़ा रास्ता है। मालूम हुआ इस्लाम सलामती का रास्ता है, झगड़ों का रास्ता नहीं, इख्तलाफ का रास्ता नहीं, नफरतों का रास्ता नहीं, नफरतों की राह नहीं, मंजिल नहीं। इस्लाम सलामती की मंजिल है। जो आएगा सलामती पा जाएगा, वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, वो किसी जबान से किसी रंग से उसका ताल्लुक है। इस्लाम सलामती का एक गिरोह है, मकसद है, मसलक है, मजहब है, राह है, रास्ता है, मंजिल है। सलामती की सबसे पहली चीज है मेरे रब के और उसकी हबीब की मंशा, मदीने वाले की मंशा, मेरे आका कमली वाले की मंशा। सलामती की सबसे जो पहली चीज है, सारे औलिया, अल्लाह के वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, जितने भी थे, इन्होंने मदीने वाले की, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा को हासिल किया। कोई वली बन गया, कोई विलायत से ऊंचा मकाम कुतुब बन गया, कोई कुतुब से ऊंचा मकाम कुतुब मदार बन गया, कोई कुतुब के ऊंचा मकाम कुतुब आलम बन गया, फिर उससे ऊंचा मकाम कुतुब अक्ताब बन गया। ये मकामात हैं रूहानियत के। जरूरी नहीं मेरी आपकी अकल में, समझ में, शऊर में, एहसास में, इदराक में आ जाए, जरूरी नहीं। जिसने भी रजा को हासिल किया, मंशा को पाया, बस हुक्म मेरे सामने है, नतीजे का मैं मुकल्लफ नहीं हूं, मेरे सामने तो हुक्म की हैसियत है। मेरे शहनशाह का हुक्म क्या है, मेरे आका का हुक्म क्या है, मेरे सामने हुक्म की हैसियत। जो हुक्म पे नजर रखता है वो मंजिल पा जाता है। हजरत माज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका ने यमन का हाकिम बना के यमन की तरफ भेजा। अब हजरत माज़ ऊंटनी पे हैं या ऊंट पे हैं, सवारी पे हैं, और मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हैं पैदल साथ चल रहे हैं। करोड़ों माज मेरे आका की जूतियों पे कुर्बान। सच, सारे विलायत जितनी भी है मेरे आका की जूतियों से निकली है। अरे ऐसे करोड़ों हकीम तारिक के दर्स और मजमे मेरे आका की जूती का जर्रा नसीब हो जाए, जाए किस्मत सरों का ताज। लेकिन इस वक्त मंशा यही है कि हुजूर हिदायत देते हुए साथ चल रहे हैं, और वो ऊंटनी में है, और मेरे आका साहब पैदल चल रहे हिदायत दे रहे, हत्ता के मंजिल से बहुत दूर दूर तशरीफ ले गए। और जब मंजिल से दूर हो गए तो आखिरी लफ्ज जो फरमाया आका ने, उससे माज की हाय निकल गई कि माज आइंदा अगर तो आएगा तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी, अल्लाह पाक के पास रवानगी का वक्त हो जाएगा। महबूब से महबूब की मुलाकात, मुहिब और महबूब तो नहीं होगा। यहां तक लिखा है कि माज रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट आगे चल रहा और उनका रुख पीछे है, और मेरे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर ऐसे देख रहे हैं। वो क्या नजरें होंगी, वो क्या मंजर होगा, वो क्या मौका होगा जब मेरे आका मदीने वाले माज को और माज एक आशिकाना नजरों से मेरे आका को देख रहे होंगे। दोस्त का दोस्त और महबूब की नजरें आखिरकार ओझल हो गए, नजर आना बंद हो गए, और फिर रोती आंखों के साथ, और फिर जब लौटे तो आका के रोज़े अत्थर पे सलातो सलाम पढ़ा। मेरे आका इस दुनिया से रवानगी रुखसत हो गए थे। और फिर यही का यही कुछ हुआ जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने मुसलमा कज़्ज़ाब के लिए हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा, तो खालिद बिन वलीद सवारी पे सवार हैं, सिद्दीक़ अकबर साथ पैदल चल रहे और हिदायत दे रहे और चल रहे और हिदायत दे रहे। वो अदाएं जिंदा हो रही हैं, वो वफाएं जिंदा हो रही हैं, वो अदाएं जिंदा हो रही, पैदल साथ चल रहे। उनके सामने एक चीज थी, मंशा थी, बस मंशा यार क्या है, जब मंशा होती है फिर मकाम को नहीं देखा जाता। मकाम के एतबार से सिद्दीक़ अकबर का मकाम कहीं ऊंचा है, लेकिन उस वक्त खालिद बिन वलीद घोड़े पे सवार है, अपनी सवारी पे सवार है, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला पैदल चल रहे हैं। और उनको मंजिल तक छोड़ा जहां तक मतलूब था, और वो आगे तशरीफ ले गए। और यही का यही मंजर हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का हुआ कि साद बिन अबी वक्कास को कादसिया की तरफ भेजा, और साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला घोड़े पे सवार हैं और फारूक आजम साथ चल रहे हैं, पैदल साथ चल रहे हैं, और हिदायत दे रहे हैं और दे रहे हैं और दे रहे हैं। और वो सवार कहा फारूक आजम, अरे जिनकी वजह से आका पे वही उतर आती थी, और जिन गलियों से निकल के जाते थे शैतान रुख मोड़ लेता था, और जो मेरे आका हुजूर को मशवरा देते थे मेरा अल्लाह कहता था हमारी मंशा भी यही है, वही आ जाती थी। पर वो उस वक्त पैदल हैं, और माज जो है साद बिन अबी वक्कास जो है वो घोड़े पे सवार हैं। एक बुढ़िया थी, वो काबा में तशरीफ लाती थी और तवाफ करती थी, उसको जुजाम था, कोढ़ था, सोराइसिस, कोढ़। सोराइसिस जब बहुत अपनी आखिरी हालत पे पहुंच जाए वो कोढ़ की शक्ल अख्तियार कर लेता। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तू मस्जिद में ना आया कर, तू घर बैठ के इबादत किया कर, तेरी की वजह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचती है। तो उसने इसको हुक्म समझा अमीरुल मोमिनीन का, और वो वहां रही, घर में रही, वो ना ही फिर घर बैठ के इबादत करती थी। औरत की घर बैठ के इबादत वैसे भी बहुत अफजल है। जब फारूक आजम का विसाल हो गया तो किसी ने कहा कि जिस हस्ती ने तुझे रोका था अब तो इस दुनिया से नहीं रहे, अब आ जा। फरमाया हस्ती ने नहीं, हस्ती का हुक्म तो है, हस्ती ने रही, हस्ती का हुक्म तो है, मेरे सामने तो हुक्म की हैसियत। सारी जिंदगी मौत तक वो बुढ़िया फिर कभी ना आई, बस उन्होंने फरमाया घर बैठ के इबादत कर। हमारे सामने हुक्म की हैसियत है, बस मंशा क्या है, मंशा यही है, हुक्म की हैसियत है। मां कहे छलांग लगा दे छत से, अगर तूने लगा दी खुदकुशी है, बाप कहे खुदकुशी है, उस्ताद कहे खुदकुशी है, मेरे आका मदीने वाले फरमा दें शहादत है, सरकार फरमा दें शहादत है। हमारे सामने एक हैसियत है एक मकार की, हुक्म की, हमारे सामने मंशा की एक हैसियत है। हम तो मंशा को देख के चलना है, उसका नतीजा जो मिले ये पढ़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हमारे सामने मंशा की हैसियत है, ये कर लो तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, मकसद मिल जाएगा। किया हो गया तो भी मंशा। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे बहुत मालदार थे, उस दौर के करोड़पति अरबपति थे। तो एक दफा बैठे थे तो किसी ने आके कान में कोई बात कही तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वक्त गुजर गया, कुछ दिनों के बाद फिर तशरीफ फरमाते तो किसी ने आके कान बात फरमाई तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ने पूछा शेख क्या माजरा है, पहले भी आप फरमाया मेरे सामान के जहाज मसालों का काम करते थे, यानी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कपड़े, दारचीनी, जायफल, जलवत्री। मैंने उनकी रिसर्च पढ़ी है कि करवार यही काम करते थे, कपड़ा, कीमती चीजें, जाफरान, मुश्क, अंबर, बहुत कीमती चीजों का काम करते थे। तो एक जहाज मेरा भरा हुआ आ रहा था, इतला मिली कि वो डूब गया है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसकी इसमें रजा है तो मैं उसकी रजा पे राजी हूं। और फिर कहा कुछ दिनों के बाद इतला मिली कि वो जहाज आपका नहीं था, वो किसी और का था, आपका जहाज बच गया। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसका इसमें देना ही राजी है तो मौला तू ले ले मैं राजी हूं, तू दे दे मैं राजी हूं, मैं तो हर मामले में तुझसे राजी हूं। एक दरवेश थे, उनको बहुत सख्त बीमारी थी जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, तो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, शुक्रगुजारी का जज्बा था। तो किसी ने पूछा कि शेख इतनी बीमारी के बावजूद आप हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप पर लुत्फ बात फरमाई। फरमाने लगे कि मैं इस बात पर खुश हूं कि मेरे रब ने मुझे बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला किया है, बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला तो नहीं किया। मैं इस बात पर खुश हूं और कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सामने हुक्म की हैसियत है, हमने मंशा को देखना है। मंशा ये है मौजू के ऊपर से मसा कर, वो तो नीचे से साफ होना चाहिए ना, बस। अब इसमें लॉजिक क्या है, वजाहत क्या है, हमारे सामने नहीं। एक बद्दुआ है आका की बारगाह में, उस वक्त एक मसले पे मेरे मदीने वाले फरमा रहे थे कि राख पे तयम्मुम नहीं होता, मिट्टी पे तयम्मुम होता है। ये मैं सहराओं में जाता हूं ना तो मैं सहराई लोगों को समझता हूं, मैं कहता हूं भाई एक है पानी वाला वजू, एक है धरती वाला वजू, जमीन वाला वजू। वो हैरान होते हैं, पानी वाला वजू तो पानी वाला वजू है, आपको कहीं पानी ना मिले या पानी की एक बोतल है और अगर वो उससे वजू करते हैं तो जिंदगी जाती है, तो फिर क्या करें। धरती वाला वजू ऐसे हाथ मारे जमीन पे, जहां धूल हो, मिट्टी हो, पाक धूल हो, मिट्टी हो, हल्की सी भी क्यों ना हो, ऐसे मारे। अगर ज्यादा मिट्टी लग जाए हल्का सा ऐसे झाड़ में ऐसे कर ले, यानी पूरे मुंह पे फेर ले एक दफा बस, और ऐसे करें, ऐसे मिट्टी से हाथ लगाए, अगर ज्यादा लग जाए झाड़ ले, थोड़ी है ठीक। ये देखें ये तीन उंगलियां, ये तीन उंगलियां यूं यूं और ये छोटी यूं, ये देखें ये छोटी यूं निकल आई, और इस तरह ये और ये, बस धरती का वजू हो गया। कहने लगा पीरा बचा खाती, पीर बचा कर देता है, तूने तो आसान काम कर दिया। और मैंने कौन सा कहा, मेरे मदीने वाले ने ये मुझे बताया है, मेरे आका ने आसानी दी है। क्या बात कर रहा था, इस वक्त मसला बयान ये हो रहा था जब बंदू आया कि राख में तयमम नहीं होता। अब बंदा कोई तवा उल्टा करके उस पे तयमम कर ले, सारा मुंह काला हो जाए, राख से मुंह काला हो जाए। अच्छा, उसको एक मसले का पता चल गया सिर्फ, बस, और उसको मसले पता था ही नहीं। और फिर वो चला गया और फिर आना ना हुआ हद तक कि मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए। और वो लोगों को एक ही चीज बताता था कि देखो भाई, राख पे तयमम नहीं होता, राख पे तयमम नहीं होता। उसे पता ही इतना था और उसने इस बात को इतना अपने अंदर जज्ब कर लिया, उसका विजदान हो गया कि जब मौत के बाद कब्र में गया तो फरिश्ते से पूछे कि तेरा निजाम क्या है, रब कौन है? वो कहते हैं राख पे तयमम नहीं होता। वो कहते हैं नबी कौन है? कहा राख पे तयमम नहीं होता। उसने कहा ये दीवाना है, मैं उसको छोड़ दो, जा फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को जब दफन किया, किसी ने मरने के बाद पूछा क्या बना, मैं के फरिश्ते आए और कहते हैं तेरा रब कौन है? कह रहे वाह कमाल है, अभी 3 हाथ नीचे आई हूं, मेरा रब पूछते हो? तो बस इतनी देर में मैं रब को भूल गई हूं, इतनी देर में रब को भूल गई हूं। हमारा निजाम तो मंशा पे है, दीन अकल का नाम है, नहीं नकल का नाम है। मेरी अकल में, मेरे शऊर में, मेरे एहसास में आए ना आए। फरमाया कि फिर ऐसा कर, अगर हमारा यार बनना चाहता है और दोस्ती हमसे चाहता है, फिर तो उसे बकरा पलवाएंगे और खूबसूरत हो, नस्ली या बेहतरीन किस्म का कोई बछड़ा हो, खूबसूरत नस्ली हो, उसको खिला पिला, बादाम खिला, चीजें खिला, उसे दोस्ती कर, राखवा लेला बन जाए, तेरे पीछे ऐसे ऐसे चले, और फिर अपने हाथ से फिर छुरी और फिर हमारे लिए, और कहे इन्ना सलाती व नौसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाजें, मेरा रोजा, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी सलातें, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, ये सब कुछ मेरा तू है। अल्लाह तेरे लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये मंशा है। इसलिए जो अल्लाह वाले होते हैं, सहाबा की जमात और अहले बैत की जमात है, उनको तकलीफों में मजा आता था कि मौला अगर तू इस पे राजी है तो फिर हम राजी हैं। मेरे हजरत की बात एक जहद आई, फरमाते थे अपने मुर्शिद के सामने गूंधी हुई मिट्टी बन जाओ। अब ये बात जब फरमाई मुझे समझ ना आई कि गूंधी हुई मिट्टी क्या होती है। गूंदी हुई मिट्टी को जैसे बनाते जाओ, उसका बर्तन बना लो, उसका घोड़ा बना लो, मिट्टी का प्याला बना लो और मिट्टी का गिलास बना लो, जो भी बना लो। फिर मैं अपने मुर्शिद के सामने गूंदी हुई मिट्टी बन जाओ। वो थप्पड़ मारे, वो जूते मारे, वो धक्के दे के निकाल दे, वो कहेंगे जाओ, गूंदी हुई मिट्टी बन जाओ। हमने तो हर सांस हर लम्हा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा को देखना है, अल्लाह और उसके नबी की रजा को देखना है। हुक्म जो मिल जाए ठीक है, हुक्म जो मिल जाए ठीक है। एक वाकया है कि एक साहब के वालिद साहब फौत हो गए और वालिद से बहुत मोहब्बत थी। अब उस मैयत को ना छोड़े, 2 दिन तक वो शख्स मैयत से चिपका रहा, हत्ता कि मैयत की हालत तब्दील होना शुरू हुई। मौसम बहुत ठंडा था, सख्त यख बसता था, अब तब्दील होना शुरू हो गई। जो बंदे आए उसको किसी की समझ ना आए। एक बंदा आया, उसने कहा मैं एक बात करता हूं, देखें इसको समझ आ जाए। उसने कान में कहा अब अल्लाह का हुक्म यही है, बस एक तरफ आके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, या तो इसको दफन नहीं करना, अल्लाह इसको जिंदा कर दे तो कादिर है, या मैं इसके साथ जाऊंगा। और उसके बाद एक कोने में होकर रोने लगा, कहने लगा उठाएं इसको, गुस्ल दें। अब मेरे अल्लाह का हुक्म यही है, मंशा यही है, मंशा यही है। इबादत का निजाम है, अखलाकियात का निज़ाम है, माशरत का, मईशत का, जो मेरे मदीने वाले ने निज़ाम दिया है उसमें हमने हुक्म देखना है। ज़कात वाले को एक चीज समझ आती है कि इसमें हुक्म क्या है। पैसे बाजार कम हो रहे, उसका हुक्म है बढ़ जाएंगे, पूरी ज़कात दो, बाजार पैसे कम हो जाएंगे। मेरा अल्लाह कहता मैं बढ़ा दूंगा, और अल्लाह बढ़ा के दिखाता है। सदका करने वाले के पैसे कम हो रहे, मेरा अल्लाह कहता मैं बढ़ा के दिखाऊंगा, और मेरा रब बढ़ा के दिखाता है। कहा तुम बावजूद रहे, तेरा रिस्क बढ़ जाएगा, बावजूद से क्या होगा? बाजार में पानी की कमी हो रही है, पूरी दुनिया में पानी से हो रहा करना ही वुजू रहे हैं। और बेहतरीन वुजू करने वाला वो है जो पानी जाया ना करे। हम जो पानी का वुजू करते हैं, इससे चार बंदे नहीं जितने पानी वुजू करते हैं, दौरे सहाबा के मदीने वाले के दौर के 10 बंदे हुस्ल कर लें जितने पानी हम वुजू करते हैं। वो बर्तन मैंने देखा मदीना के म्यूजियम में पड़ा है कि इस बर्तन से तो मेरे आका वुजू फरमा देते थे, इसी से गुस्ल कर लेते थे। हमें एक हुक्म है कि बावजूद रहने से रिस्क बढ़ेगा। अब समझ आए ना आए, बस हुक्म है। दौलत, रिस्क, इज्जत, शान और शौकत बढ़ेगी। क्या होता है बावजूद रहने से? कोई खबर नहीं। क्यों होगा मुझे क्या पता, कैसे होगा मैं क्या जानू, किस तरह होगा मुझे हुक्म की इजाजत है, क्या तुम कैसे की इजाजत नहीं है। मेरे सामने हुक्म है, मैं अपने वालिद के चेहरे को देखूंगा, मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा, कैसे मिलेगा मुझे क्या खबर। मैंने अपनी वालिदा की खिदमत पाओ की करनी है, मेरी मुश्किलें टल जानी है, कैसे टलेगी वो जाने, उसका काम जाने, मेरा काम तो हुक्म मानना है। मोमिन, आज एक बात याद रखिएगा मेरी, मोमिन नतीजे को नहीं देखता। अगर नतीजे को देखता तो अपने सीने को सामने करके उहद में सहाबा कराम तीर आता था अपने आप को सामने कर देते थे और गिरते जा रहे थे, और मेरे आका के जानेसार गिरते जा रहे, और नतीजे को सामने नहीं देखते कि बीवी बेवा हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, गुलाम चले जाएंगे, माल खत्म हो जाएगा, जहान की लज्जतें खत्म होके जिस मिट्टी हो जाएगा। मोमिन नतीजे को नहीं देखता, मोमिन तो उस खुशखबरी को, उस हुक्म को देखता है जो अल्लाह उसके हबीब ने दे दिया। बस उसके लिए जान चली जाए, उसके लिए माल चला जाए, उसके लिए वक्त लग जाए, उसके लिए सिफात चली जाए, उसके लिए सलाहियतें इस्तेमाल में हो जाए, बस नतीजा नहीं। अकबर बुक्ती कहता था, मरहूम अल्लाह उसको गरीब के रहमत करे, कहता था हम नहीं पढ़ाते, उसका अपना एग्जाम था, हमें जरूरी नहीं उसकी बात से 100% इत्तेफाक हो। कहता था हम नहीं पढ़ाते, वरना ये गोली मारने से पहले नतीजा देखेंगे, हैं? गोली मारने से पहले फिर ये मुकदमा होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा, नतीजा देखेंगे। वेकल्ला वाले फरमाने लगे, हम उसके एरिया से जा रहे थे, दूर से एक बच्चा देखा दौड़ता हुआ आ रहा। मैंने कहा गाड़ी तेज करो, ये बच्चा कुछ पत्थर मारेगा। उसने कहा जी बढ़ता पता नहीं किस लिए। मैंने कहा तेज करो। गाड़ी की रेंज से हम निकल गए, लेकिन उसने जोर से पत्थर मारा कि गाड़ी हमारे इलाके में क्यों आई। जब पत्थर नहीं लगा तो वो ऐसे बैठ के यूं करने लगा हाथों से, जैसे फायरिंग कर रहा हूं ना हाथों से, गोलियां चला रहा हूं, ऐसे यूं 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 हाथों से करना। जब देखो वो फायरिंग कर रहा है, हाथों से गोली चला रहा है, बंदूक नहीं। उसकी फरिश्त फितरत में ये चीज है कि तेरे इलाके में दूसरा बंदा क्यों आया। हमने नतीजा नहीं देखना, मेरे आका ने फरमा दिया, बस खत्म, मेरे मदीने वाले ने फरमा दिया। और यही सहाबा कराम अहले बैत की चाहतों में से चाहत थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दे हम पहाड़ों से छलांग लगा दें, आप हुक्म दे हम समंदरों में छलांग लगा दें, आप हुक्म तो दें। और यह हुक्म था कि बादशाह के हाथ आए और उसने एक एक करके सबको कढ़ाई में डाला, सबको डाला। और आखिर इसका वक्त आया और ये रोने लग गया। उसने कहा, मैंने तुझे कहा तो था मेरी इताअत कर ले, मोहम्मद को छोड़ दे। तूने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा, नहीं ये बात नहीं, सारी जिंदगी सुनता रहा जान देनी है अल्लाह के लिए और उसके हबीब के लिए, अब जान देने का वक्त आया पर जान एक है। हाँ, अब जान देने का वक्त आया पर जान एक है। और मेरी ऐसी जितनी जाने हों, जितने मेरे बदन के बाल हैं, और मैं एक दफा मर जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मर जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, ये उनकी तबीयतों में था, यह उनके मिजाजों में था। हुक्म को सुना है। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया, खुम्बी का पानी डालें आंखों में, आंखों का मसला हल हो जाए। बेटे ने फरमाया, ऐसा मुमकिन है? ओह, इश्क में जाके चोट लगी है। और इश्क का शीशा जो है वो चिकना चूर होते होते रहा। कहा, तूने क्या कहा? मेरे मदीने वाले ने फरमा दिया, तू कहता है ऐसा मुमकिन है? तूने आका के हुक्म पे शक किया। जा, आज के बाद तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मौत तक उससे ताल्लुक नहीं रखा। तू कहता है कि ऐसे होगा, कुंभी का पानी अगर आंखों में डाला जाए तो आंखें ठीक हो जाएंगी। बस तेरे यकीन में कमी है। अगर तुझे फायदा नहीं हो रहा, तेरे यकीन में कमी है। या अल्लाह का अमर ऐसे है। इस वक्त एक मुसलमान था और एक नसरानी था, दोनों मछलियां पकड़ रहे थे। दोनों मछलियां पकड़ रहे। वो मछलियों का जाल डालता। कौन? नसरानी। उसके जाल में मछलियां आ जाती, ये जाल डालता, इसके जाल खाली आते। सुबह से लेकर दिन ढले तक उसके पास मछलियों का ढेर लग गया और इसके पास मछली एक ना आई। एक बड़ी मछली इसकी जाल में आई और कहा, वाह, चलो एक तो आई, खाली तो नहीं जाऊंगा। पर वो हाथ से यूं फिसल गए और फिर चले गए। वो जाल भरे, उठा नहीं सकता, जा रहा और ये खाली हाथ जा रहा और अल्लाह से बातें की। मौला, वो तेरा मानने वाला नहीं, मैं तेरा मानने वाला। वो तेरे हबीब का मानने वाला नहीं, न तेरे हबीब के मानने वाला। मैं मदीने वाले का गुलाम, सखी शहनशाह, तेरी तकसीम पे मुझे एतराज नहीं है। पर ये क्या हुआ? मैं खाली और वो भरा हुआ। अब ये बातें करते करते जा रहा। आगे एक दुर्वेश मिले, फरमाने लगे, क़यामत का दिन होगा और इस नसरानी की सारी लज्जतें होंगी और अल्लाह पाक जहन्नम का एक झोंका इसको दिखाएगा, इसकी सारी लज्जतें खत्म होंगी। और कयामत का दिन होगा, तेरी सारी भूखें होंगी, अल्लाह जन्नत की एक हवा का झोंका लगाएगा, सारी भूखें खत्म हो जाएंगी। दुनिया इम्तिहान की जगह है, ख्याल करना। उस दरवेश ने फरमाया, दुनिया आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है, ख्याल करना। अगर तुझे दुनिया नहीं मिल रही और मदीने वाले का नाम मिल रहा और अल्लाह और उसके रसूल का नाम मिल रहा, कह लेना सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। और अगर दुनिया मिल रही और उसके बदले में तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम छिन रहा, कह देना मुझे ये मतलूब नहीं। या बैजा, या सफरा, हुर्री गैरी, ए पीली चीज सोना, ए सफेद चीज चांदी, हुर्री गैरी, या किसी और को धोखा दे। सहाबा करम फरमाते थे, हम तेरे धोखे में आने वाले नहीं है। ये किस वक्त फरमाया? जब ईरान फतह हुआ और सहाबा ने कुल्हारों से काट काट के अहले बैत ने सोने के टुकड़े किए। 32 मन से ज्यादा तो उसका तख्त था और जो कालीन थी, एक बालिश्त कालीन सोने और चांदी की बुनी हुई कालीन थी। एक बालिश्त कालीन उस दौर में 25,000 दिरहम की थी, आज कई करोड़ रुपए की थी। उसका एक बालिश का टुकड़ा 9 इंच का 10 इंच का टुकड़ा, और उस वक्त फरमाया सोने चांदी के ढेर लग गए, या बैजा या सफरा गुर्री गैरी, ए सोना ए चांदी हमने तेरे लिए नहीं, हमने अपने यार मदीने वाले मुर्शिद के लिए सब कुछ किया था। मंशा मेरे सामने है, मंशा मंशा पे नतीजा सामने आए कि मुझे एक मछली ना मिले और अगला जो है मछलियों के जाल भर जाए, और मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, उसकी फैक्ट्री और मिलें बन गई और मुझे रोटी खाने को मुश्किल है और उसकी रोटियां रुल रही और उसके खाने वाले कोई नहीं, मेरी फ्रिज नहीं, उसकी फ्रिज डी फ्रीजर भरे हुए, और मेरे घर में गुर्बत फाका है और उसके घर में फरावानी है माल की, सोने की, हीरों की, चांदी की, डायमंड की, हारों की, गाड़ियों की, कोई हरज नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। हाँ आखिरी वक्त है, मेरे मदीने वाले का यार अल्लाह का और उसके हबीब का यार है, अल्लाह का दरवेश वली है, आखिरी वक्त है, और कहता है पानी पिला दो। हुक्म हुआ फरिश्ता जा इसकी सुराही को जाके पड़ मारो, गिरा दे पानी, ये प्यासा मेरे पास आए, पानी की हसरत भी ना हो, पानी की न पी सके। फरिश्ता आया, सुराही पे उसने हाथ मारा, पर मारा और वो गिर गई और ये पानी न पी सका। पानी करते करते यार का नाम लिया अल्लाह का और इस दुनिया से रुखसत हो गया। और उसी लम्हे में एक वो था जिसने मदीने वाले का कलमा नहीं पढ़ा था, और वो कहने लगा मुझे मछली खिलाओ, फलां किस्म की मछली, और वो एक खास मछली जिसे हम ट्राउट कह दें। हमारे एक कलंदर था, उसने ट्राउट मछली का फार्म बनाना था। सुभान अल्लाह, मछली वाले पापा। वो एक मछली खास, उसने कहा मुझे मछली दो। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्ते को, फौरन जा। वो मछली इनके घर के करीब तालाब, समंदर, दरिया जो भी था नहीं है, वो फलां दुनिया के उस कोने में है, उसको उठा, उसमें फेंक, ये शिकार करें। और का शिकार हुआ और वही मछली मिली, कमाल है वो मछली मिली। उसको खिलाया, पकाया, भूना और उसको खिला दिया और वो खा के मर गया। इधर प्यासा मर रहा यार है, इधर प्यासा मर रहा यार है। जरा गौर से सुनना, यार है, प्यार है। कहने लगे मेरे भाई की तो गाड़ी है, वाह मौला इसमें, वाह जालिम वाह। मुझे एक दो भाई हैं, एक कहने लगा कि मेरे भाई की तो गाड़ी है, ये है और मैं ये कर रहा हूं। मैंने कहा शुक्र कर, रब ने तुझे वो गाड़ी नहीं दी जिस रिस्क से उसको मिली है, शुक्र कर। तुझे रब ने जिस हालत में रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी रब छीन ले। मौला रिश्ते तड़प उठे, ये क्या निजाम है, तेरी हिकमतें, तू बेनियाज है, तू जाने खूब जाने, पर ये हमारी समझ में नहीं आई। अल्लाह पाक ने फरमाया हमारा यार था, दोस्त था, वो हमारी मोहब्बत थी। वली कहते हैं यार को, औलिया किसे कहते हैं, यारों को। वली अरबी जबान में वली उल्लाह, अल्लाह का यार, वली मोहम्मद, मोहम्मद का यार, वली हुसैन, हुसैन का यार। तो मेरा वो दोस्त था। एक छोटी सी खता थी, कमी हो गई थी, मैंने कहा इसको प्यासा रख के उस खता को बराबर सराबर कर दूं। मेरे पास आए तो बस ऐसे आए कि मैं इसका इस्तकबाल, और मेरी नेमतें इसका इस्तकबाल, और मेरी रहमतें इसका इस्तकबाल। और वो मुझे, उसने मुझे नहीं माना और मेरे मदीने वाले पे ईमान नहीं लाया, मेरे हबीब पे। उसकी सखावतें, उसकी दौलतें, सब कुछ था। उसका एक एहसान था हमारे ऊपर, हम एहसान फरामोश नहीं है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। हम एहसान फरामोश नहीं है। हमने उसकी चाहत को पूरा करके, तश्तही अन तश्तही अनफुसुकुम, जो दिल में चाहोगे वो मैं दूंगा। बस थोड़ा सा इस दुनिया में चाहतों को कुर्बान कर दो। उसकी चाहत थी मुझे फला मछली खिलाओ, हमने फरिश्ते को हुक्म दिया, वो मछली आई, उसको मछली भूनी गई, खिलाया गया, और मछली खा के इस दुनिया से मर गया, रुखसत हो गया। ये प्यासा मरा, हमने उसका मामला अजर दे के बराबर कर दिया, हमने इसका मामला थोड़ी सी तकलीफ दे के बराबर कर दिया। क्यों? उसकी वजह यह थी, वो जो मेरे मदीने वाले को छोड़ के आया था, उनका कलमा नहीं पढ़ा था, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं था, इसका आखिरत में हिस्सा था। कहीं ऐसा ना हो मेरी मछलियां, मेरा जाल खाली रह जाए और मैं कहूं मेरे रब ने मुझे ये दी है। मेरे पास कई लोग आते हैं, एक बंदा अब तो पता नहीं कहां गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह को नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला गालियां देते हुए खत मेरे पास आते थे, बहुत अरसे से नहीं आ रहे, अल्लाह करे कभी ना आए। मेरा दिल दहल जाता था, अब भी मेरी डाक के रिकॉर्ड में पड़ा होगा, और वो यही बात कहता था कि मुझे क्यों नहीं दिया। एक साहब मुझसे बहस हुए 1997 में, एक साहब थे किसी महकमे के अफसर थे, उनका बेटा था, वो यानी जब बात करता था ना ऐसे है जैसे कपड़े फाड़ डालेगा, ऐसे ऐसे करके बात करता था। कहता था मुझे बड़ी दौलत चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैंने बैरून मुल्क जाना है, मैं हर चीज ब्रांड की इस्तेमाल करता हूं, अलग अलग कंपनी की, ब्रांड्स की, फला फला की, और अपने बाप को नौज बिल्ला प्रैक्टिकली गालियां देता था। तूने थोड़ी रिश्वत क्यों ली, तू ज्यादा लेता, ज्यादा बड़ा बंगला होता, और फला किस्म की गाड़ी, और फला 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 फला। हाय, उसके सामने अगर ये चीज आ जाती। इस वक्त हुक्म और मंशा क्या है? मौला तूने उसको इतनी बड़ी गाड़ी दी है, और मौला तुझे मुझे साइकिल दिया है, साइकिल दिया है। मैं गाड़ी में बैठा था, सहरा में जा रहा था, सामने मेरा एक करीबी रिश्तेदार पुरानी साइकिल पे आ रहा था, मेरी हाय निकल गई, एकदम हाय निकली। सारी जिंदगी उसने मेहनत की, सारी जिंदगी उसने मेहनत की, उसके पास एक पुरानी साइकिल में फौरन गाड़ी से उतरा, क्या हाल है, खैरियत से है, ठीक है, उसकी खैर खैरियत ली, फिर बैठा, और फिर मेरे आंसू नहीं थम रहे थे कि आले फिक्र नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे, ए नसीर इसको तू फजले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। और ए तू और गाड़ी में बैठे, तू तो उस पुरानी साइकिल के काबिल भी नहीं था, तू तो उस पुरानी साइकिल के काबिल ही नहीं था। हाय हाय, क्या बात कर रहा था। कर ही ना देखिएगा। तो उसके बाद ये है, मौला अगर तूने इस बात पे राजी है, बस मैंने तेरी मंशा को देखना है। उसको आका बना दिया, उसको गुलाम बना दिया। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक वकील होते थे, उनका भाई धोबी था और सगा भाई बड़ा, अपने भाई के कपड़े घर ला के देता था और पैसे ले जाता था, और वो भाई मोस्ट सीनियर वकील था और उसकी बहुत बड़ी कोठी थी और नेमतें थी। ये तकसीम है रब की, निजाम है उसका। जो इसकी मंशा पे आ जाए, अगर वो इसको उसको ये बात समझ आ जाती तो ना होता। आखिरकार उसने खुदकुशी की। बाप की बहुत जमीन थी और बाप ने अपना हिस्सा, मां ने अपना हिस्सा भी इसी बेटे को दे दिया। सारी जमीन बेच गया, माल आया ही कहीं और जगह से था, सारी दौलत खत्म कर गया। मैं उसकी खुदकुशी के 3 दिन के बाद गालिबन गया उसके घर में। उस कमरे में गया जिस कमरे में उसने अपनी कनपटी पे रिवाल्वर रखा था। उस कमरे की दीवारों के ऊपर अफसुर्दगी के अशार लिखे हुए थे, और मौत के अफसुर्दगी के अशार बड़े बड़े मोटे मार्कर से लिखे हुए थे। और उसके बाद मुझे आज यही उसकी बात याद है, मुझे ब्रांड चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मैंने बाहर जाना है, यूके जाना है, इंग्लैंड जाना है, मुझे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, इसकी गलियां, इसके बंदे, मैं इस दुनिया का बंदा नहीं हूं, मैं एक खास आदमी हूं। और मैं उससे एक बात कहता, मैं कहता नहीं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने जो दिया है, फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं मुर्शिद, आखिर वो मुझे भी छोड़ गया, मुझे छोड़ गया। मुझे एक बंदे ने कहा कि वो आपसे शिकवे करता है, आपको बुरा भला कहता है। मैंने कहा वो तो रब को भी कहता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा कि कुछ लोग आपके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले हम रब को सामने रखते हैं, अल्लाह से बढ़ के पाकीज़ा हस्ती कोई नहीं है। इस दुनिया में कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो रब को नहीं मानते, और कितने अरबों लोग हैं, अरबों। मुसलमान तो सिर्फ एक अरब सवा अरब है ना, अगर बाकी मदीने वाले को मान ले तो झगड़ा किस चीज का। कितने अरबों लोग हैं जिन्होंने मेरे आका मदीने वाले को नहीं माना। अगर मदीने वाले के ऊपर इल्जाम लगाए हैं घटिया से घटिया, ऐसे लोग दुनिया में सलमान रुश्ती जैसे आते रहेंगे। उन्होंने तो मदीने वाले को ना माना। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपनी हुकूमत अपनी खिलाफत छोड़ दी कि मुसलमानों के अंदर तफरका न हो, तो मेरे इमाम हसन जैसी अजीम हस्ती को उस वक्त के लोगों ने इंतहाई खटिया लफ्ज कहे, मेरे मुंह से वो अदा नहीं हो सकता। अरे इमाम हुसैन को अगर लोग मान लेते तो करबला क्यों होती। लोगों ने तो, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा की के पल में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तू कौन है क्या है तेरा दागे कबा भी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तू कहे कि 100% तुझे भी मान ले। लोगों ने तो अल्लाह के हबीब को माफ नहीं किया, मेरी औकात क्या है, अहले बैत को माफ नहीं किया, मेरी हैसियत क्या है, बड़ी बड़ी हस्तियों को माफ नहीं किया। अगर उसको यह बात समझ आ जाती कि रब की तकसीम है और मैं इस पर राजी हूं, वो अशार ये ना लिखता, वो ये ना कहता। फिर उसने क्या किया, मां की मां मरी, मां की मैयत को चिपक गया कि मैंने इसको कब्रिस्तान में दफन नहीं करना। कुछ लाडला था और जरूरत से ज्यादा ही लाडला था। एक तरफ लाड ने, एक तरफ मशकूक रिस्क ने। मैं सारा दिन सोचता हूं, बाज़ औक़ात वो मुझे आता है अगर जहन में, तो मैं उस शख्स को सोचता हूं। सोचते सोचते मेरी सोच के पहलू दो चीजों पे आते हैं, साल साल का उसके साथ ताल्लुक रहा, साल साल के ताल्लुक, फिर उसके बाद मुसलसल केस दर केस। सारा दिन मेरे पास दुखी इंसानियत आती है। मैंने दो चीजों का निचोड़ निकाला, एक रिस्क मशकूक हराम जो बाप ने सारी उम्र इकट्ठा किया, सारी उम्र, और एक लाड। इसको, इससे मुराद सख्ती नहीं, बेहतरीन बाप वो है जो औलाद का दोस्त हो, बेहतरीन मां वो है जो औलाद को चीख के ना पुकारे, इंग्लिश में गालियां ना दे, इंग्लिश में गालियां, इंग्लिश में। हां, कि अपने आप को संभालो, सेल्फ न दे। और बेहतरीन मां वो है जो बच्चों की सख्ती पे, पता नहीं माएं अपनी क्यों भूल जाती है कि हम भी ऐसी थी पहले। वो बच्चों को इतना मुहज्जब बनाना चाहती हैं, और अगर उनको कहा जाए कि मुहज्जब बनाओ तो कहने तुमने इसको बिगाड़ा हुआ है। कई केस मेरे पास आते हैं। और बच्चों के ऊपर सख्ती सख्ती, फिर वो तन्हाइयां तलाश करेंगे, और तन्हाइयां तलाश करके बड़े बड़े जरायम करेंगे। अरे ना कर उनको लहजे की सख्ती, तन्हाइयां तलाश करेंगे, फिर उनको तन्हाइयों में जाके उनका बाप पकड़ेगा। लहजों की सख्ती। बाप घर में दाखिल हुआ और बच्चे इधर उधर छुप गए, सांस सूख गया। उन्होंने क्या देखा, रोक देखा। मुझे कहने लगा एक बंदा, कहने लगे जी मेरे साथ खता हुई। उसने कहा पहली रात जाते ही बीवी को खींच के थप्पड़ मार देना। जवान होता है, जवान का एक रोब होता है, एक मुछ होती है, जवान का मुछ नाल जवान, जवान की होती मुछ है। हाँ, ऐसे तो नहीं, कुदरती मेरे पास सामने दो बड़ी बड़ी मुछ वाले बैठे हुए अल्लाह, और मुछ को हाथ पिलगा एक बंदे ने ऐसे करके यूं किया। जवान की होती यही है, या तो जवान का रोग होता है। वो गले बीवी मुझे देख ही रह गई, रोना शुरू हो गया, खींच के थप्पड़ मारा। उसके बाद बेचारी का जब झिझक खत्म हुई। उसने कहा थप्पड़ क्यों मारा था तुमने? उसने कहा सारी जिंदगी फर्स्ट टेम्परेशन इज दी लास्ट टेम्परेशन। हाथ तेरी ऐसी की तैसी नियत बीमार पवी। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। थप्पड़ मार रहे जाके बच्चों के ऊपर चीख चिल्लाओ, उनको अदब सिखाओ, वक्त से पहले अपने आप को भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ी कोताही करते हैं बच्चों के साथ। और अगर कोई उनके साथ नरमी करे क्या तेरा कसूर है, तूने बच्चों को सर पे चढ़ाया हुआ है, सारी जिंदगी ये ताना बन गया फिर उसके लिए। अरे नहीं अल्लाह वाले, नहीं। बच्चों के साथ तो लहजे की नरमी पहले दिन से शुरू होती है, उसमें मैं भी मोहताज हूं। लहजे की नरमी पहले दिन से शुरू होती है, लहजे की नरमी। मार कुटाइयों तो बाद की बात है, लहजे की नरमी मतलब तो पहले दिन से शुरू होती है। और बच्चा समझता है, बच्चा समझता है ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे माँ बाप मुझे कर रहे हैं। सख्ती, वो कहते हैं शायद दुनिया इसी का नाम है, इससे उसका मिजाज बनता है, बनता है, बनता है। हमारे यहाँ एक ये दफ्तर है ना आबकारी का, जहां मैं भी बैठता हूँ, क्लीनिक करते, ये इसके ऊपर फ्लोर बन रहे थे। एक साहब थे जो निगरानी कर रहे थे, मुझे कहने लगे बच्चों के लिए कुछ बताएं। मैं क्या मौजूद चल रहा था, मैं बच्चों की तरफ चल पड़ा। मुझे कहने लगे बच्चों की तरह बचाएं। मैंने कहा प्यार दें, मोहब्बत करें, उनकी गलतियों से दरगुजर करें, ज्यादा गलतियां करें तो अपने बचपन को याद कर लें। मैं कहता मुझे मैं अपने बचपन की गलतियां बताऊं? हेलो, मैं बताता हूं। मैं मस्जिद में जाता था, मस्जिद में होते थे मेंढक गर्मियों में। मैं मेंढक के ऊपर ना मस्जिद की टोपी दे देता था, उसका पेशाब निकल जाता था। छोटा मेंढक होता था। अब वो दम घुटता था, अब एहसास होता है यार ये गलती है, क्या किया मैंने। मेंढक छोटा सा होता था, उसके ऊपर टोपी दे के बंद कर देता था। मस्जिदों की टोपी बड़ी होती ना, बाद में ताकतवर मेंढक होता तो टोपी उठा लेता, दूसरी टोपी, 3 4 5 टोपियां एक दूसरे को दे के मेंढक बंद कर दिए, चल भाई। मैंने कहा ये गलतियां हैं। दवात थी, कलम दवात होती थी ना, उसकी कलम तोड़ दी, उसकी दवात में मिट्टी डाल दी। टाट पे बैठ के पढ़ते थे, जो टाट पे बैठ के पढ़ने वाले नॉलेज भी और होते हैं, तख्ती वाले नॉलेज भी और होते हैं। काने की कलम, उसकी कलम तोड़ दी। एक बार मैंने एक अपने क्लास फेलो की तख्ती तोड़ दी, उसको छुट्टी, बारिश हुई, बादल बने, असादा ने कहा होगा, हेडमास्टर साहब ने छुट्टी कर दी। अब ये छुट्टी की खुशी में जोर से तख्ती जब मारी, उसकी तख्ती तोड़ दी। अब तख्ती लेके घर गया, दूसरे दिन फिर हम पत्री लगवाते थे उसे, पत्री लगवाते। बाज बाप और बाज माएं इतने मुहज्जब होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ इतने तल्ख और करख्त लहजे से बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा पैदाइशी तौर पे एक ऐसा मोम का बना हुआ, वो हम यूं मोल्ड फोल्ड करते जाए और बच्चा होता जाए, और बच्चा डिसेंट होके ऐसे सुभान अल्लाह कहे, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते अलैकुम। हजरत मिर्जा मदरी जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह दुआ फरमाई, अल्लाह ने बेटा दे दिया। हजरत ने फरमाया कोई अरसे के बाद आए, अरे भाई बेटा दिखाया ही नहीं। उसने हजरत ने बेटा लिया आऊंगा। अब बेटे की पता नहीं कितने अरसा तरबियत की, हजरत के पास जाना है, आंखें ऐसे नहीं करनी, आंखें ऐसे नहीं करनी, बस यूं ऐसे हाथ करके बैठना है, मुर्शिद का अदब होता है, करते। तो वो कहने लगे बेटा ले आए। हजरत ने मिले, हजरत बेटा है, ठीक। हजरत ने फरमाया भैया आपका बेटा कहाँ है? हजरत ये बैठा है। नहीं नहीं, आपका बेटा कहाँ है? उसने कहा हजरत ये। हजरत ने कहा ये तो बाप है, बेटा कहाँ है? बंदर का बच्चा, बंदे का बच्चा और बकरी का बच्चा सुख से बैठे, और खास तौर पे ये पुत्र, ये बेटे, धियां जो होती हैं, बेटियां, वो कहते हैं बेटियां मरते मरते फिर भी जी जाती हैं, बीमार अगर हो जाए तो। बेटे जीते जीते हाथों से निकल जाते हैं, और बेटे बड़ी मुश्किल से पलते हैं। फिर बेटों के साथ सख्ती और सख्त करख्त ले जा, और उनके साथ मिजाज के अंदर ये, और बेटे पहले तो सहते रहते हैं, छोटे होते हैं, जिस वक्त होते हैं फिर मुझे आके बताते हैं, मुझसे कहानियां सुनो कि माओ को क्या थप्पड़ मारते हैं और बापों को क्या चूते मारते हैं और दांत तोड़ देते हैं। मुझे आके दिखाया ये दो दांत मेरे बेटे ने तोड़े हैं, मां ने दिखाए। हमें तो ये देखना है कि हमारे सामने मंशा क्या है। देखें, मैंने रब्बना हबला ना पढ़ी, मैंने दुआओं का एहतमाम किया, मैं दुआओं का एहतमाम किया और अगर उसके बाद कोई नाफरमानी की कैफियत है तो मैं फिर भी अपने आप की तकसीर करूंगा कि मौला मेरे मांगने में कमी थी, मेरे चाहने में कमी थी, मेरे करने में कमी थी, मेरी कोई गुनाह, मेरी कोई गफलत। मुझे मेरे दो बेटे बैठे थे तो एक बच्चा था मेरे पास मरीज आया बैठा, मैंने दोनों को कहा जल्दी आओ मुझे देखो। मैंने कहा देखो ये चॉकलेट, बाहर की चीजें और ये जो है ये बोतलें, उसका नुकसान ये है। और बहुत बेचारा मरीज था। तो दूसरा एक दूसरे को कहने लगा तुमने देखा था, उन्होंने कहा दुआ नहीं पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मन तलाक़ा बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ा तफ़सीला। अल्लाह, मैं कहा सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया किसी को मुसीबत में देखें, मुसीबत में देखें और तकलीफ में देखें, दिल में अगर ये दुआ पढ़ लें अल्लाह मौत तक उस तकलीफ और मुसीबत में तुझे मुब्तला नहीं करेगा। नबी सच्चा, उसका वादा सच्चा, रब सच्चा, रब का वादा सच्चा, दुआ सच्ची, दुआ की तासीर सच्ची। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मन तलाक़ा बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ा तफ़ज़ीला। ये दुआ है मेरे मदीने वाले की, पढ़ और यकीन कर। हमें तो अपनी तबीयतों में मंशा पे लाना है, अपने मिजाजों को, कि हुक्म है यही। अब मसल मैं एक चीज बताता हूं, हदीस में आता है मफ़हूम में मेरे आका ने फरमाया ये नाक है ना, नाक, शैतान रात को नाक के नथनों में अपनी रात बसर करता है। ये हदीस पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी, लिखी हुई है। शैतान, अब ये एक हदीस है, आप इसकी गहराई में चले जाएं। मैं बहुत अरसा पहले मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी, बहुत साल हो गए। मैं अल्लाह पाक से मांगता रहा, कुछ चीज अगर मेरी समझ में ना आए तो मैं अपने नमाज में या कोई मामूलात में या चलते अल्लाह से मांगता हूं, या अल्लाह इसका इल्म मेरे पर खोल दे, इसकी हकीकत मेरे पर खोल दे, इसकी मार्फत मेरे पर खोल दे। सोचना कम, मांगना ज्यादा, सोचना कम, मांगना ज्यादा। क्यों? हमारी सोचों से दिमाग तो खराब हो जाएगा, सोचना भी है, लेकिन जब मांग के सोचेंगे अल्लाह दिल भी रोशन कर देगा, दिमाग भी रोशन कर देगा। मैं उस दिन अपने खिदमत वाले अहबाब से एक शिकवा कर रहा था। मैंने कहा देखो खिदमत 6 चीजों का नाम है, आप भी सुन लीजिए और पूरे वर्ल्ड में अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा रहा 212 मुल्कों में नेट के जरिए, वो भी सुन ले। जिस शोबे की खिदमत, कोई तर्जमे की खिदमत कर रहे, कोई इस्लाह की खिदमत कर रहे, जिस शोबे की पूरी दुनिया में खिदमत में 6 चीजें होती हैं, 6 चीजें, जान लगाना, माल लगाना, वक्त लगाना, ये 3 चीजें हैं खिदमत ना मुकम्मल है। जान लगी, माल लगा, वक्त लगा। हमारे एक मोहसिन है तस्बीखाने की तामीर की खिदमत के लिए आए, मैंने कहा कि आपकी जान लगी, माल लगा, गाड़ी का पेट्रोल लगा, वक्त लगा, 3 चीजें लगी पर खिदमत ना मुकम्मल है। दिल, दिमाग और दुआ। दिल, एहसास हो, दिल के अंदर सच्चा जज्बा हो, दिल के अंदर की कैफियत हो। दिमाग, सोचें, पूरी प्लानिंग, पूरा दिमाग इस्तेमाल करना कि रमजान ऊपर से आ रहा और मुझे रमजान का अमीर बनाया है, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कितना फिक्रमंद हूं। आ गया रजब, अभी आई शबान, अभी आया। दिल, दिमाग और दुआ। नफिल पढ़ना, मांगना, अल्लाह से मांगना, सलातुल हाजत पढ़ के, मदीने वाले के मामूलात करके, कोई जिक्र करके, कोई तस्बीह कर। जान लगाई, माल लगाया, वक्त लगाया, अच्छी बात है, लेकिन 3 चीजें ना लगाई खिदमत की तकमील नहीं होती। दिल, दिमाग और दुआ। दिल में दियानत हो, दिल में एहसास हो, दिल में खुलूस हो और दुआ। मैं इस हदीस मुबारका के बारे में अर्ज कर रहा था कि बहुत अरसा अल्लाह से मांगता रहा कि या अल्लाह क्या है। फिर मेरे सामने इसकी बहुत सी हकीकतें खुली। बहुत साल पहले बहुत से इसकी अल्लाह पाक के इल्म में से इल्म मिला कि जब नाक में शैतान, फिर मैंने कई बड़े बड़े से डिस्कस किया और बहुत जगह इसको पढ़ा, शैतान जब रात को नाक में बसेरा करेगा तो उसकी नहूसत हमारी सांसों के साथ जाएगी। जब उसकी नहूसत सांसों में साथ जाएगी, सांसों के साथ जाएगी, उसकी नहूसत दिल में खबासत पैदा होगी, हिलाजत पैदा होगी, निजासत पैदा होगी। जिस्म नेकी की तरफ नहीं आएगा, अमाल की तरफ नहीं आएगा, जिक्र की तरफ नहीं आएगा, तस्बीहात की तरफ नहीं आएगा, दियानत की तरफ नहीं आएगा, इंसानियत की खिदमत की तरफ नहीं आएगा, इंसानियत के साथ रवादारी, भलाई, दरगुजर, फिरकों के साथ, मजहब के साथ, काफरों के साथ, गैर मुस्लिमों, यहूदियों, सिखों, हिंदू, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, इनके साथ फिर मोहब्बत होनी, फिर दिल के अंदर और जज्बे पैदा होंगे, बदयानती के जज्बे पैदा होंगे, खयानत के, खबासत के, गिलाजत के, निजासत, क्योंकि वो नजस चीज अंदर अंदर जा रही। हर सांस के साथ हम हजारों सांसें लेते हैं सोते हुए, अगर सांस बंद हो जाए तो फिर सोना क्या, फिर तो मौत है। रात गुजारता है हमारी नाक के नथने में, बांसे में। अब इसका हल क्या है? इसका क्या हल है? इसके साथ इसका क्या किया जाए? आका सच्चे, आका का फरमान सच्चा। मुझे एक साहब ने ख्वाब सुनाया, आपने ख्वाब सुनाया। वो अनमोल खजाना बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, नंबर एक भी नंबर दो भी, बहुत ज्यादा। मुझे कहने लगे जी अनमोल खजाने से मुझे इश्क है और बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मुझे ख्वाब सुनाया, मुझे बहुत लोग बहुत कैफियत बताते हैं, बहुत ख्वाब आते हैं, अमूमन मैं ख्वाब बयान नहीं करता। उसने मुझे ख्वाब सुनाया, उसने कहा जी मैंने देखा मेरा नाक है बहुत बड़ा है, उसके अंदर ना जैसे नाक में गंदगी मैल वगैरह चिपकी होती है, ऐसी तरह छोटे छोटे चमगादड़ चिपके हुए हैं, छोटे छोटे, कोई मखलूक ऐसे जैसे चमगादड़ हो, ऐसे चिपके हुए हैं, ऊपर ऊपर ऐसे चिपके हुए हैं, हर तरफ चिपके हुए हैं। अच्छा, उनके मुंह से गंदी बदबू निकल रही, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीट करते हैं गंदगी, और मेरी सांसों के साथ बीट ऐसे, जैसे मुझे कहने लगे जैसे एग्जॉस्ट होता है ना, एग्जॉस्ट की चीज को सख्त करता है, ऐसे ही वो मेरी सांसों के साथ जा रहे। मुझे क्या लगाई, मेरी समझ में नहीं आई क्या है ये ख्वाब, क्या है। तो मैंने किसी से बयान नहीं किया। आपने कहा हुआ है कि ख्वाब वह चीज है जो हर किसी से बयान नहीं करनी चाहिए। इसकी ताबीर क्या है? मैंने कहा इसकी ताबीर यही है कि अल्लाह ने मुझ पर हदीस खोल दी है। इसकी ताबीर यही है। मैं कितना अरसा मांगता रहा, मुझे इस हदीस के बारे में शरह सदर तो हुआ था, पर मैं ये हदीस को समझ नहीं आ रही थी। क्यों? हदीस अर्श वाला इल्म है। किसका इल्म है? हां, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। और ख्याल करना लोगों, मेरे आका का गुस्सा अपने मिजाज का नहीं होता, आपकी मोहब्बतें नहीं, जो हम आपके कल्ब अत्तर पे वही फरमा दें, बस वो वही फरमाते हैं। लिहाजा मेरे मदीने वाले की हर अदा दीन है, हर अदा दीन है, हर अदा दीन है, हर अदा। तो इसका इल्म भी अल्लाह जिस पे खोल दे सो खोल दे। हजरत बिहारवी पे खोला था अल्लाह ने, और भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। मैं कोट अद्दू गया तो मैं उनकी तुरबत पे गया, उनको हदिया देने के लिए, फातिहा के लिए। 32 साल की उम्र है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, दोनों हाथों से लिखते थे। कई लोगों ने उनकी जिंदगी में डॉक्टरेट PhD की है, अभी तक भी उनके इल्म जाहिर हो रहे हैं। हजरत मौलाना अब्दुल अजीज बिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं हैरान, 32 साल की उम्र में वो मर्द जवान इस दुनिया से रुखसत हो गया, और इतने उलूम, इसको उलूम का ताल्लुक लदुन्नी और वहबी और गैबी उलूम, इंसान की अपनी अकल, शऊर, एहसास, इदराक में है, कहाँ है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तूने ना असल में इस हदीस को मेरे पर खोल दिया है। क्या काम बन गया है कि अच्छा, शैतान इसी तरह नाक में जिंदगी अपनी रात गुजारते हैं और हमारे अंदर इस तरह बीमारियों की शक्ल में और मुख्तलिफ शक्लें अंदर भेजते हैं जिससे हमें रूहानी और जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं। अब मैं बहुत अरसा सोचता रहा कि इसका हदीस में कोई हल मिले मुझे कहीं से कि शैतान की इसका तोड़। अच्छा आप बताएं, आपकी मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे जिस्म में 90% बीमारियां हमारे नाक के जरिए जाती हैं, हमारी सांस के जरिए जरासीम की शक्ल में। 90% बीमारियां हमारे नाक के जरिए जाते हैं कि हम नाक से जो सांस लेते हैं। आप कभी अब तजर्बा करें, मैंने कई बार किया। यह जहां लाहौर में बैठे हैं, यह लाहौर का दिल है, लेकिन एक अंदरून शहर का लाहौर है जहां गाड़ी से गाड़ी मिली हुई, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल मिला हुआ धुआं है। आप वहां कुछ वक्त, कुछ घंटे, कुछ दिन गुजारे, पैदल चलते हों, बाइक पे बैठे हों, बंद गाड़ी में ना बैठे हों जिसके एसी चल रहा हो। अब ऐसा करें, वापस आए, सफेद टिश्यू लेके ना आपके नाक नथने में मारे और चेक करें कि आपके नाक के नथने में, मैंने फिल्टर चेक किए कई बार खुद, सफेद टिश्यू लेके ना नाक को अंदर से चेक करें, इधर से नथने पे, इधर से आपके नाक पे टिश्यू पे कालक लगेगी और आपको एहसास होगा कि वहां ऐसी आलूदगी थी जो मेरी सांसों के जरिए अंदर गई है लेकिन गैर महसूस तरीके से। सही बात है। मेरे आका ने फरमा दिया कि नाक के अंदर शैतान रात को कयाम करता है, बसर करता है, बस खत्म। और साइंस सारी कहती है कि सारी बीमारियां 90% हमारे रोग, बीमारियां, तकलीफें नाक के जरिए जाती हैं, साइंस कहती है। अल्लाह पाक ने मुझे इसका एक अमल दिया, एक चीज अल्लाह ने मेरे दिल में डाली और मुझे अता किया। फिर मैंने जो लोगों को बताना शुरू किया, और आपको भी पहले बता चुका हूं, आज भी बताता हूं, वो अमल 9 बड़ी बीमारियों का तो इलाज है और 90 छोटी बीमारियों का इलाज है। 9 बड़ी बीमारियों का इलाज है और 90 छोटी बीमारियों का इलाज है। ऐसा जबरदस्त अमल है, कमाल है। उस अमल के अंदर क्या तासीर है। 1001 दफा सूरतुल काफिरून पढ़ लें, मैंने आपको बताया था। सरसों के तेल पे, जैतून के तेल पे, तिलों के तेल पे, कोई तेल हो पढ़ लें। अब आखिर 7 दफा, 11 बार दरूद पाक पढ़ लें। हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम सूरतुल काफिरून की 7 हो। एक बंदा बैठ के पढ़ ले, 2-3 इकट्ठे पढ़ लें, लेकिन किराए का काम ना करवाइएगा। किराए से मुराद यह है कि ऐसे बंदे इकट्ठे कर लें और जिनको पैसे देने हो ना 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 वो ना, घर वाले हो, मुखलसीन हो, मुहिब्बीन हो, वो हो। 1001 बार सूरतुल काफिरून के इसके फायदे मैंने कई बार बताए। अमानतदारी से सिर्फ वही लोग हाथ खड़ा करेंगे, अमानतदारी से जिसको 1001 दफा के अमल का पता नहीं है, वो पता करेंगे। खड़ी होके देखें जी, खड़ी जल्दी देखें, आपको पता नहीं है। अच्छा चलो, मैंने कहा अमानतदारी से, इसका मतलब है कि हमारे यहां नया मजमा बहुत आता है। नया मजमा बहुत कहते हैं, तेरा इस तेरे पीर का मसला क्या है? उसने कहा देवबंदी है। मुझे बंदा कहने लगा देवबंदी, मैंने कहा ना मैं देवबंदी, मैं तो लोगों को पैबंद लगाता हूं। उसने कहा वजदी है, उन्हें कहा मुझे, मैं तो वजदी हूं, मुझे मदीने वाले के नाम पे, अहले बैत के, साहबा के, औलिया के नाम पे वजद आ जाता है। मैंने ये अमल हर दफा बताया और इसकी अनोखी तासीर, इसका रिजल्ट मिला। अब ये अमल फिर सुन लीजिए। तेल ले लें, शहद ले लें, पानी ले लें, कोई शक्कर ले लें। मैं इस वक्त फायदा जो बताऊंगा वह तेल का बताऊंगा। आप कुछ चीजें और भी ले लें, सामने रख लें। 1001 बार क्या पढ़ना है? सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत तवज्जो से पढ़े, बैठ के, बहुत ध्यान से, बहुत इस्तेहजार से, रब की कैफियतों के साथ इस अमल को बैठ के पढ़ें, बावजूद पढ़ें, पाक हालत में पढ़ें। तो 2.5 घंटे सारे लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। एक दफा पढ़ें लेकिन तवज्जो से पढ़ें। मैं एक दरवेश थे मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा था, मगरिब की नमाज पढ़ाई तो साथ एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अवाबीन के 20 नफिल पढ़े। फरमाने लगे 3 पढ़ लेते, 6 पढ़ लेते, पर पढ़ते तवज्जो से। 6 भी पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं, ये 20 ना पढ़ते पर 6 पढ़ते, पढ़ते तवज्जो से। आप रोज एक पारा न पढ़ें, आप एक वर्का पढ़ें, एक सफा पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, 2 सफे पढ़ें, पर पढ़ें तवज्जो से। थोड़ा पढ़ें, कोई हर्ज नहीं। मेरे अल्लाह के यहां थोड़ा अमल हो पर रोज हो ज्यादा पसंदीदा है। तो सूरतुल काफिरून मिल बैठ के पढ़ें और पढ़ के अब इस तेल को महफूज कर लीजिए। अब इस तेल को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ता जाए। अच्छा, कुछ अरसे के बाद एक और इस तरह का निशाब, यानी 1001 दफा, ये एक निशाब कह रहा हूं मैं, इसको पढ़ सकते हैं, वरना एक दफा की तासीर लाजवाब है। 7 निशाब कर लें तो कमाल है, 7 निशाब कर लें और इस तेल को अपने घर में महफूज रखें। ये आपका सरमाया है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, अगर पढ़ा हुआ तेल को थोड़ा मुझे भी हदिया दे दे तो इजाजत है। ये पढ़ा हुआ तेल अगर कोई मुझे हदिया दे तो मैं इंशाल्लाह मना नहीं करूंगा और तमा भी नहीं करूंगा। अब इसके जो कमालात खुलते हैं जिंदगी में, मैंने नाक में इस तेल को लगवाया। जो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, इसको बेशुमार बीमारियों पे आजमाया। कितने मेरे अहबाब बैठे होंगे जिन्होंने इनको ला इलाज बीमारियों में आजमाया, और ये रमजान अल मुबारक में और रोज हमारे मामूलात में है। रमजान में लाखों सूरतुल काफिरून पढ़ी जाती है, लाखों लाखों। क्यों जी, पता है कितनी पढ़ी जाती है किसी को? हाँ, लाखों रोजाना बकायदा पढ़ी जाती है रमजान मुबारक में सूरतुल काफिरून, बकायदा मुसल्ला बिछता है। क्या उसकी तासीर होगी? परदेसी पढ़ रहे हो, फर्ज रोजा हो, और रोजा भी गर्मी का हो और निढाल कर देने वाला, और फिर पढ़ रहे हो और उस मुंह की बू के साथ जिसके साथ फरिश्ते भी मुंह लगाएं। और फरमाया कि रोजेदार की वो फरिश्तों के यहां मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। इस अमल को कर लीजिए, यह अमल कर लीजिए। यूं छोटी उंगली डिबो के ऐसे नाक में लगाइए, इधर नाक में लगाइए, इधर, और सो जाए। अच्छा, पहले मैं इसके आम तेल के तिब्बी फायदे बताता हूं। हमारे यहां एक बैंक मैनेजर थे कुरैशी साहब, उनको खराटे बहुत आते थे, खराटे बहुत खतरनाक लेते थे। खराटे लेते 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 ना एकदम फिर फटते थे और उनकी आंख खुल जाती थी, ऐसे थोड़ा करके फिर सो जाते थे। हमारे यहां एक मिस्त्री था, उस्ताद जो है, उसको उस्ताद गुलजान कहते थे। वो क्या किया उसने, बोतल का स्ट्रॉ नहीं होता, ये पानी पीने वाली जो झागदार मशरूबात सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इसका स्ट्रॉ उसने वो उठाया और मिर्चें स्ट्रॉ के आगे थोड़ी सी डाल के ना, थोड़ी सी मिर्चें डाल के ऐसे स्ट्रॉ को भर के उसके नाक के करीब जाके स्ट्रॉ को जोर से फूंक मारी और वो सारी मिर्चें उसके अंदर गई। बस उसके बाद जाके चुप करके लेट गया। वो उठा बेचारा, खांसते खांसते उसका पेशाब निकल गया। उसकी तो हालत ही अजीब हो गई। एक तो नाक के वैसे भी हिस्से बंद बेचारे के। आप कभी ना कीजिएगा, ये लतीफा अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमान को तकलीफ देने का अमल है, कभी ना कीजिए, सोचिएगा भी नहीं। मैं भी इस्तिग़फ़ार करूं, आप भी। मुसलमान जिस हालत में है, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम जिस हालत में है, हमारे लिए वाजिब अल एहतराम है। और आप यहां आते हैं ना, यहां गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं, उनका भी अदब किया करें। हजरत फारूक आजम और हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, अपने फरमान में लिखा कि कयामत की आखिरी सुबह तक, तलुए कयामत तक गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का तहफ्फुज़ हमारे जिम्मे है, उसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। गैर मुसलमान, गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। वो बेचारा खांसते 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 पागल हो गया। मैं एक जगह एक सफर कर रहा था सहरा का, मेरे साथ दो बंदे थे खुराटे, और उनके खुराटों से किसी को नींद ना आए। मैंने कहा इनका मेरे पास हाल है बेहतरीन, सरसों का तेल लेके मैंने कहा नाक में अच्छी तरह लगा ले, अगर हलक में चला जाए तो अच्छी बात है। क्या है आजकल तो सरसों का तेल कुकिंग में इस्तेमाल होता है, जैतून का तेल कुकिंग में पकाने में इस्तेमाल होता है। मुझे उस दिन भी एक बंदा कहने लगा आप मेरे यहां आए आपको मैं जैतून का हलवा खिलाऊंगा। मैंने कहा सिर्फ हलवा ही खिला रहे, उसकी मोहब्बत। ये तो मेडिकली जिसके नाक की हड्डी बढ़ी हुई हो, नाक की हड्डी। हमारे एक दोस्त थे हमारे यहां आते थे, फौत हो गए। मुझे एक नेक आदमी ने, दिलबर मंसूर साहब थे अल्लाह उनको जन्नत ता फरमाए, मुझे एक साले शख्स ने बताया कि मस्जिद में सो रहा था, मौत के बाद मुझे मिले। एक मैदान है हमारे घर के साथ, दरबार के आगे एक मैदान है, खुली बाजार है, वहां खड़े हैं। मैंने कहा आप सुना है फौत हो गए हैं? हाँ। कि जब मैं गया ना अल्लाह ने मुझे बहुत एजाज दिया, मेरा बहुत इकराम किया, सारे अंबिया से मुझे मुसाफा कराया, और आखिर में खत्म रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैंने मुसाफा किया, और अल्लाह ने मेरा बहुत एजाज और इकराम किया। वो कहने लगे कि मैं एक हकीम थे बोहड़ गेट मुल्तान में, सुने एक हकीम है लेकिन है ऐसे कि उनके वक्त का ख्याल करना, वो कबूतर उड़ाते हैं, जिस वक्त कबूतरों का वक्त हो उस वक्त ना जाना, हकीम साहब रगड़ा फेर देते हैं। कहने लगे कुदरत खुदा की मैं एक मरीज को लेके, मैं कॉलोनी टेक्सटाइल थी बहुत पुरानी, पाकिस्तान की सबसे पहली टेक्सटाइल मिल मुल्तान की कॉलोनी टेक्सटाइल मिल, कहने लगा मैं उसमें मुलाजिम था, पाकिस्तान की सबसे पहली, मैं उसमें मुलाजिम था। तो मैं हकीम साहब के पास, उससे मेरा दोस्ती थी, मैंने कहा हकीम साहब का वक्त नहीं, कबूतर उड़ा रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं। तो मैं गया ना कबूतर उड़ा के छत के ऊपर से देखा, और ऊपर से एक बड़ी मोटी गाली दी, किसने मेरा दरवाजा खटखटाया? मैं कहा जी मैं आपका गुलाम हूं। अच्छा अच्छा यार है, अच्छा क्या यही खड़े खड़े बताओ मेरे कबूतर उड़ रहे, खड़े खड़े बताओ। उसने कहा जी इसकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, डॉक्टर कहते हैं सर्जरी होगी। उसने फिर डॉक्टर को बड़ी गाली दी समा मन की। मसला था ना कबूतर का, कबूतर के वेले ना जाना, कबूतर के वक्त ना जाना। उसने कहा वो इसको जो है ना कोई अंदर चीज लगवा दो, देसी घी लगवा दो, तेल लगवा दो, सब कुछ लगवा दो। अल्लाह की मशीन जो है खत्म नहीं होती, हम गरारियों में तेल नहीं देते। उसके बाद कहा जाओ, फिर कबूतर उड़ाना शुरू हो गया। वो कहने लगे कि वो चीज ही क्या थी, वो लगवाया, कहा नाक की हड्डी बढ़ी, कहा खुराटे, कहा नींद के झटके, और कहा, और मेरे आप तजर्बे सुने, आम सरसों का तेल, जैतून का तेल, आम। कुरान पाक की आयत की तासीर बढ़ जाती है, अल्लाह के नाम की ताकत। और कुलियाई और काफिरून में सारे शर्क की नफी है, सारे बातिल की नफी है कुलियाई और काफिरून में, और सारे शर्क और बातिल का के पर रब्बा है। लकुम दीनुकुम वाली जा, तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। हाँ, मुझे मेरे मदीने वाले की अदा पसंद, वफा पसंद, शिफा पसंद, दवा पसंद। कुलियाल काफिरून में तो तलवार है, नंगी तलवार है, शैतान के लिए, जादू के लिए, जिन्नात के लिए, बातिल के लिए, फितनों के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए। कुलियाल काफिरून में तो तासीर पड़ी है। सादा तेल लगा लें, नाक की बड़ी हड्डी खत्म हो जाती है, नजला, केरा, जुकाम, जिनको छींकों का तूफान होता है वो ठीक हो जाते हैं। जो रात को पुरसकून नींद की शिकायत करते हैं, कम नींद आती है, उनसे कह दो कुलियाई और काफिरून वाला तेल लगा के सो के देख तो सही। जो कहते हैं उनको दायमी नजला है, दूसरी बीमारी, जिनको जुकाम है उनको कह दो कुलियाई और काफिरून, सूरतुल काफिरून का तेल नाक में अच्छी तरह लगाएं, और ऐसे लेट जाए, नाक तेल अंदर चला जाए, हलक में चला जाए। मुबारक बरकत। और तीसरा, जिनकी नजर पे असर हो, जिनकी दिमाग की रसौलियां हो, ट्यूमर्स हो, उनको कहो नाक में तेल लगाएं। और चौथा, जिनको दिल का कोई मसला हो और दिल की बीमारियां, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, वो लो ब्लड प्रेशर है, वो दिल की आर्टरीज बंद है, बाईपास हो चुका है, जो होने की जरूरत है, नाक में तेल लगाएं, रोज सोते वक्त लगाएं। मेरे आका ने फरमा दिया, हदीस मजबूत सनद के साथ है, कि शयातीन रात को नाक में बसेरा करते हैं। और जो शयातीन विलादत खबासत के साथ रात को नाक में बसेरा करते हैं, वो तेरी हर सांस के अंदर, तेरी हर सांस के अंदर, वो तेरी हर सांस के अंदर जो है वो खबासत और हिलाजत और बीमारी और तकलीफ डाल रहे हैं। तसव्वुफ की जितनी भी मनाजिल हैं, जहां सिद्क के मकाल अक्ल हलाल से, वहां नाक की सांस पास अनफास से होती हैं, कि सांस को कैसे लिया जाए। और योगा का जितना निजाम है, ये सांस से तय होता है। नाक के योगा का सारा निजाम नाक से तय होता है। रूहानियत की मंजिलें अल्लाह वालों ने सिस्ता नक्शबंदिया है, या सोहरवर्दिया है, या चिश्तिया है, या कादरिया है। जितने सलासिल के हमारे बुजुर्ग हैं, नाक से मंजिलें सांस से तय करते हैं। सांसों की मनाजिल, योगा की मनाजिल और फिटनेस के मसाइल का निजाम सांस से है, आलूदगी का निजाम सांस से है, नाक से है। और हमारी जिस्म को ब्रीथ और जिस्म को 100% ऑक्सीजन, इसका निजाम सांस से है। हाँ, नाक को सोते वक्त नाक के अंदर तेल लगा के सो जाएं, तेल लगा के सो जाएं। दिल के अमराज, चौथा मसला हल है। दिल के अमराज मुसलसल मामूल बना लें। सफर हजर में 60 ड्रॉपर रख लें, मजबूत बोतल रख लें। मैंने तो ड्रॉपर रखा, ड्रॉपर को ना ऐसा किया, यूं किया, छोटी उंगली में यूं डाला, उसको यूं 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 करते करिए, बस कुछ उंगली में ना रखे, डायरेक्ट ड्रॉपर से 2 कतरे डाल दीजिए, उसको नाक को जरा मसल दीजिए, बस। उंगली से क्यों डालते हैं, डायरेक्ट ड्रॉपर से डाल दीजिए। तेल को जैतून का तेल ले लें। क्यों? जैतून के तेल के अंदर अल्लाह ने वत्तीन वज़ैतून, अल्लाह ने कीकर की, शीशम की, पीपल की कसम नहीं खाई। किसकी कसम खाई है? हाँ, कुरान ने कसम खाई है, मेरे रब ने, वत्तीन वज़ैतून, अल्लाह ने कसम खाई है। उस दिन मेरे पास चलते चलते वत्तीन वज़ैतून का आया, मैंने जिस बे औलाद को वत्तीन वज़ैतून बताया और कहा पागल होके पढ़ो, इसकी बरकत से डिलीवरी भी आसान, सर्जरी पे पहुंचे पहुंचे लोग वापस आते हैं और बेटे भी होते हैं और रिस्क बेशुमार मिलता है, इन 2 आयतों की बरकत से। नाक के अंदर लगा, मसला दिल का हल। नाक के अंदर लगा, 5वां, हेपेटाइटिस पुराने से पुराना खत्म हो जाता है। और नाक के अंदर लगाओ, पुराने से पुराना, 6ठा, मोहरों का मसला, कमर का मसला, डिस्क का मसला, जोड़ों का मसला खत्म हो जाता है। और 7वां, नाक के अंदर लगा, तेरी पुरानी एलर्जी है, तुझे दिमागी कमजोरी है, याददाश्त का मसला है, आसाबी कमजोरी है, जल्दी थक जाता है, मसला हल। और नाक के अंदर लगा, जेरे नाक बीमारियों की, 8 मसले हल हो गए, जेरे नाक बीमारियां, नियत कर ले। और नाक के अंदर लगा, जो बंदे बे औलाद होते हैं, हैरत अंगेज रिजल्ट मिलते हैं। इसके अजीब फायदे हैं। मुझे एक चीज बताएं, जब नाक के अंदर झाड़ू ही फिर गया, अच्छा चलो आप इसको आलूदगी कह दें, शैतान का रात को बसेरा करना न कहें, आप इसको आलूदगी कह दें, आलूदगी कह दें। मैंने ट्रेन के अंदर सफर किए, बर्थ पे सोया, लोअर एसी बंद, पर अंदर धूल आती है, नाक बताता है, कपड़े बताते हैं, वहां की सीटों पे उंगली फेरो बताते हैं, कि जितना लो रेसी बंद हो, धूल आती आती है। नाक के जरिए इलाज, इस वक्त पूरी दुनिया वापस आ रही है, पूरी दुनिया। अलमंजद एक बहुत बड़ी लुगत है, उसका तर्जमा करने वाले 6-7 बंदों की टीम थी। उनमें एक साहब थे, दुर्वेश थे, बहुत बड़े, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस दौर के MA किया हुआ था उन्होंने। मैं उनकी सोबत में जाया करता था, बहुत बूढ़े थे, अल्लाह वाले थे। हकीम नूर अहमद कासमी उनका नाम था और मुतरजमीन में है। मुझसे फरमाने लगे, मैं जमाने तालिब इलमी में जाता था, सोचना सुन लेना एक तोहफा दे रहा हूं। मैं एक जोगी को देखता था, वो नाक के जरिए आसन करता था, योगा करता था नाक के जरिए, और फिर क्या करता था, साथ कोई ऐसी चीज होती थी यूं नाक में अंदर करके लगाता था, और सख्त सर्दी में यख बस्ता पानी में खड़ा होता था, उसे कोई एहसास नहीं होता था। उसने ऑक्सीजन की अपने अंदर इतनी जज्ब कर ली थी और नाक के जरिए इतनी मश्क कर ली थी कि जिस सख्त ठंडे पानी के अंदर वो खड़ा होता था और यहाँ सीने तक डूबा हुआ होता था, सिर्फ सर बाहर होता था, लेकिन वो नाक के जरिए ये मकाम पा गया। मेरे दोस्तों, ये बीमारियां किसी रास्तों से आती हैं, उनके राहें बंद कर दें, एक चीज कर दें, राहें बंद कर दें। दो काम कर लीजिए, एक और काम है। एक अमल मैंने आपको एक बताया था बड़ा पुराना, कि कई लोगों को आपने सुना होगा कि इस दुनिया से रात को सोए सुबह नहीं उठ सके। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मौला मौत के बाद जिंदगी तेरे अमर से, तेरे नाम से होती है। कई लोग नहीं उठ सके, मरे सोए। वैसे भी एक कौल है साहबा कराम में से कि मौत जो है वो निस्फ मौत है, नींद जो है वो निस्फ मौत है। तो कितने लोग सोए फिर ना उठ सके, पता नहीं ये मेरी आखिरी जिंदगी हो, आखिरी हो, आखिरी हो, आखिरी हो। मैंने एक अमल बताया था आपको, इसका बहुत फायदा हुआ लोगों को, बहुत फायदा हुआ। सारी रात निहारी खाई है कभी आपने, कुन्ने की निहारी है, दिल्ली की निहारी, ना दुख रहे ना बीमारी। एक दिल्ली के दरवेश से मुझे ये कहते थे, वो पता क्या होती थी, मिट्टी की बड़े बड़ी हांडियां होती थी, सारी रात उसके नीचे पत्ती रहती थी, सारी रात। हाँ, हल्की हल्की आंच, हल्की हल्की आंच में जो चीज मजा देती है वो तेज आंच में नहीं देती, हल्की आंच, हल्की आंच। छामी आमी छामी जामी, तत्ता भोजन कर कर खामी। हिंदू ने अपने बेटे को कहा था, बेटा सुबह सुबह जाना अपनी दुकान पे और शाम को आना, छामी आमी छामी जामी, तत्ता भोजन बर बर खामी। ये जो भोजन तुझे मिलेगा खाना, सारी रात का पका हुआ तत्ता भोजन बड़ा मजा देगा, पर इसके लिए छामी आमी छामी जामी। सारी रात का पका हुआ निहारी ओ हल्की आंच पे। कभी खा के देखे, मैंने तो बहुत दफा खाया। हमारे यहाँ एक होता था निहारी वाला, उसके बकायदा ऊपर सोता था कि मेरी निहारी को आके कुछ चुरा कर ना ले जाए, थड़े पे सोता था साथ, और उसके ऊपर बोरियां दे बंद करके नीचे एक हल्की आंच लगी होती थी और उसकी निहारी खाएं। सुभान अल्लाह। आप ऐसा करें, दिल के आईने को, दिल के मटके को, हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है, सुन लेना। फरमाया, दिल के मटके को यादों में, तन्हाइयों में, अल्लाह की मोहब्बत और तन्हाइयों में इतना भर, इतना भर, इतना भर कि तेरे दिल का मटका तन्हाइयों में भर जाए। ख्याल करना, लोगों को छिलकता हुआ देना, अपना मटका खाली ना करना। अब मैं आपको जो अमल बता रहा हूं, रात को सोते हुए तसव्वुर करें, दिल मेरा एक मटका है, इसका ढकना उठाएं। तसव्वुर करें संदूक है, कोई बॉक्स है, उठा के इसमें लफ्ज अल्लाह, इसमें जात, तसव्वुर के साथ रख के ऊपर ढकना दे के फिर सो जाए। कई कई दफा मैंने बताया, अजीब अमल है। सारी रात वो नफिया सबाब दा पानी मिलिया, ते हर रगे हर जाई हो, ते अंदर बूटी मश्क बचाया, ते जाओ फुलन ते आई हूँ, ते मुर्शिद बाहू हर दम जीवे, जाए बूटी लाई हूँ। सारा इसमें तौहीद ही तौहीद है, सारी तौहीद ही तौहीद है। हाय हाय, अल्लाह का नाम लेके ना दिल पे रखें, मटके को बंद कर रहे हैं। ये सब तसव्वुरात की दुनिया है। मौला तू हदीस कुदसी है, हमारे गुमानों के बगैर तूने खुद ही तो फरमाया, मैं मामले करूंगा, जैसे मुझसे गुमान करोगे वैसे मामला करूंगा। विलायत पाने के लिए, फकीरी पाने के लिए, दिल की दुनिया आबाद करने के लिए, दिल की निजाजतें, गिलाजतें, खबासतों को खत्म करने के लिए, रूहानी दुनिया को जिंदा करने के लिए, दिल के अमराज रूहानी या जिस्मानी उसको खत्म करने के लिए ये अनोखी चीज है और खात्मा बिल खैर के लिए यही चीज है। याद रखिएगा जो दिल में होगा आखिरी वक्त में वही होगा। एक दुर्वेश का तोता था, कलमा पढ़ता था। तोता बिल्ली आई और तोता टाए टाए करने लगा और उसको बिल्ली उठा के ले गई। दुर्वेश बेहोश हो गए। उन्होंने कहा हजरत आपको तोते से मोहब्बत थी, हम और आके तोता देंगे। फरमान लगे नहीं, मुझे अपना आखिरी वक्त याद आया और कहीं ऐसा ना हो ये कलमा मेरे दिल में ना उतरा हो और इजराइल आए और मैं टाए टाए करता रहूं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। कहीं ये मुझसे ना चला जाए। मुझे अपना वक्त याद आया, मैंने तोते को जो देखा ना टाए टाए की, वो जो आखिरी वक्त का कलमा था वो तो उसको याद ना आया। क्यों? कलमा तोते की जुबान में था, दिल में नहीं था। अल्लाह जल्ल शानहू का नाम दिल में, दिल के आईने में है तस्वीर यार। दिल में रख के सो जा। अब एक तरफ मैं तेल बता रहा हूं, एक तरफ मैं दिल बता रहा हूं। याद रखिएगा सारे अंबिया की मेहनत का मैदान दिल होता है। और मैं अगर दिल ठीक है तो निजाम ठीक है और दिल खराब है। हजरत मौलाना अब्दुल अजीज दुआजू रहमतुल्लाह अलैह टंडू आदम के बहुत बड़े बुजुर्ग, दिल्ली के एक बहुत बड़ी हस्ती के बहुत बड़े खलीफा थे, फरमाते थे रोटी के तवे पे जलते वक्त लगता है, इंसान की नीयत दिल के बदलते कोई वक्त नहीं लगता। एक तरफ दिल को महफूज कर रहे, एक तरफ नाक के रास्तों को महफूज कर रहे। क्यों? इस नाक से जो खबासत, गिलाजत, निजासत जाएगी वो जाके दिल को मकरूह करेगी, दिल को आलूदा करेगी। उधर दिल अल्लाह का नाम है, दिल के अंदर अल्लाह का नाम है। और रख के सो गया। अब कुन्ना पक रहा, आहिस्ता आहिस्ता पक रहा, उसको हाइट मिल रही अल्लाह की मोहब्बत की, अल्लाह के नाम की। दिल साफ हो रहा, शफाफ हो रहा। शाहजहां गया, उसका महल बन रहा था। महल बनने गया, देखा अच्छा जी, हाँ जी इंतजाम ठीक हो रहे, बहुत अच्छा जी, ठीक है, हो गया। साल के बाद फिर गया, एक बाबा बैठा था, वो सिर्फ सिल के ऊपर ना ऐसे रंग रगड़ रहा था। साल के बाद गया तो वो ऐसे बैठा हुआ है। उसने कहा इसका महाना कितना है? उसने कहा इतना है। उसने कहा साल के कितने पैसे बने? उसने कहा इतने बने। उसने कहा इसी काम पे बैठा हुआ है, तुमने खारे काम चोर इकट्ठे किए हुए हैं। उसको गुस्सा आया। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। उसने क्या किया, साथ पानी पड़ा था उसमें हाथ धोया। उसने कहा बादशाह सलामत, गुलाम हूं, अपनी तनख्वाह का हक अदा करता हूं। ये मैं तारीख का वाक्या बता रहा हूं। अपनी तनख्वाह का हक अदा करता हूं। क्या हक अदा करता है? उसने कहा जी कोई पत्थर ले आए। एक आम सा पत्थर पड़ा था, वो जो हाथ धोया था ना, हाथ जिस पानी में, वही पानी उठा के छींटा मारा, इतना मोटा पत्थर आर पार उसी रंग का हो गया। उन्होंने कहा यह करता हूं। समझ गए? आज भी किला के अंदर 4 सदियों पहले पेंट किया हुआ है, नक्शो निगार किए हुए हैं। शाही किला लाहौर में जाके देखो, किया हुआ है, नहीं किया हुआ। अभी मैं 4 दिन पहले वहां मैं जाके गया, नफिल पड़े और थोड़ा सा दर्श भी दिया मैंने, मोती मस्जिद में गया था। मैं देख रहा था उसके नक्शो निगार, उसका रंग सदियों से वैसे खड़ा हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो सिल बट्टा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा। अरे दिल को बर्तन बना ले, उसको खोल ले, इसमें अल्लाह का नाम रख के रोज सो जाया कर, इसी तसव्वुर के अंदर। मौला मेरे बस में नहीं, तेरे बस में है। इस दिल की दुनिया को आबाद कर, इन उजड़े दिल को आबाद कर घिन अमल अज वक्त है। ए तेरा नाजिक बदन फीसी जमी अंदर दफन, पोशाक होशी तेरा कफन, कर घिन अमल अज वक्त है। ये मौला दिल मेरे बस में नहीं, अल्लाह तेरे हुक्म में है। तू चाहे इसकी दुनिया बदल दे, तू चाहे इसको इधर बदल दे तो इधर बदल दे, तू पॉजिटिव बदल दे, नेगेटिव बदल दे, तू खैर की तरफ बदल दे, तू शर की तरफ बदल दे। अल्लाह तेरा नाम है और मेरा दिल है, बस तेरे हवाले करके मैं तो सो गया। तू जान, तेरा काम जाने। हाँ, रब करके दिखाता है, बड़ा करीम जो हुआ। और एक तरफ नाक में वो तेल लगाओ, जहां नींद लाजवाब, एलर्जियां खत्म, छींके खत्म, नाक की बड़ी हड्डी खत्म, दिमाग जहन का डिप्रेशन खत्म, घरारियों को तेल दिया। मुझे कहने लगा मेरे पर डिप्रेशन का जब दौरा पड़ा था मैंने घर के कब्जों को तेल दिलवाया था। ये दरवाजे के कब्जे नहीं होते, इसमें चूं चां की आवाज आती है। कहा कि जब मेरे पर डिप्रेशन का दौरा पड़ा था मैंने अपना क्लॉक उतरवाया था, साइलेंट क्लॉक लगवाया था, उसकी टिक टिक भी मेरे दिमाग में लगनी थी और मैंने कब्जों को भी तेल दिलवाया था। उस दिन मैं एक जगह गया, पता नहीं मेरा सफर था, दरवाजा था, मैंने कहा भाई बात सुन, मैंने रात को सोना, इस कब्जे का पहले तेल दे। मैंने कहा तरीका मैं बताता हूं, रुई लिया टाकी, रुई लिया तो टिश्यू ले ले, इसको ऊपर से अंदर से बाहर तेल दे। मैंने कहा आप चला के दिखा, मैंने कहा ना उसमें से आवाज आ रही, इसको तेल दे, दे। कब्जों को तेल दे तो काम हो जाता है, हम नाक को तेल ही नहीं देते, जिसके जरिए से इस वक्त आपकी सारी आलूदगियां पेट्रोल की, ये धुएं की, ये फैक्ट्रियों की, ये खुफिया एटम धमाकों की, ये सारा निजाम की जो आलूदगियां हैं नाक के जरिए जा रही हैं। आप नाक को तेल दे के रात को सोएं, सुबह हैरत अंगेज तौर पे आप फ्रेश होंगे। और ये सूरतुल काफिरून का तेल बड़ी तासीर है इसमें। और नाक के अंदर शैतानी चीजें घुस जाएं, अल्लाह अकबर, हमने तो पहरेदार बिठा दिए। सूरतुल काफिरून के मुक्कलात पता है कितने हैं? हर आयत के मुक्कलात हैं, हर लफ्ज के मुक्कलात हैं। वो मुक्कलात क्या होते हैं? अल्लाह ने अपने ताकतवर फरिश्ते साथ रखे हुए हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। हाँ, हर आयत के साथ, हर लफ्ज के साथ, हर कुरान पाक की सूरत के साथ मुक्कलात हैं ताकतवर। सूरतुल काफिरून के मुक्कलात की तादाद आप गुमान नहीं कर सकते। जो सूरतुल काफिरून तेल पे दम की जाए और उस तेल को नाक में अच्छी तरह लगा के सो जाए, उंगली से लगा लें, ड्रॉपर में डाल लें, ऐसे ड्रॉपर में 2-3 कतरे डाल के नाक को ऐसे बंद करके 1-2 दफा सांस खींचें, अंदर फैल जाएगा। बीमारियों से मना है और बीमारियों का खात्मा है। जिन बच्चों के अंदर तालीमी कमी हो और बच्चे पढ़ते ना हो, सुन लीजिएगा, बच्चे ना पढ़ते हो और बच्चों की काबिलियत ना हो, उन बच्चों को तेल मुस्तकिल लगाएं। और छोटे बच्चे को तेल पहले दिन से लगाना शुरू कर दें, नथने के बाहर हल्का से ऐसे तेल लगा दें, हल्का से ऐसे ऐसे तेल लगा दें। छोटे बच्चे को पहले दिन से उसकी सलाहियतें देखें, उसकी तालीम देखें, उसका कैरियर देखें, उसकी काबिलियत देखें, फिर उसके अंदर सिफात देखें, कमाल देखें अल्लाह के नाम की, फिर तासीर देखें। औरतें मर्द इस तेल को लगाएं, नाक में लगाएं, सोते हुए लाजिम लगाएं। जहां मेडिकली फायदे हैं इसके हैरत अंगेज, वहां रूहानी फायदे हैं और हैरत अंगेज फायदे हैं। मेडिकली फायदे मैंने बताए, जिनको पुराना नजला हो यही तेल लगाएं, पुराना जुकाम हो, दमा हो, एलर्जी हो, छींकों का तूफान हो, नाक बंद हो, नाक की हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन बताते हैं या ऑपरेशन कर चुके हैं लेकिन फिर बढ़ गई, फिर कर चुके, फिर बढ़ गई, वो नाक में तेल लगाएं, नाक में तेल लगाएं। और जिन जो पुरसकून नींद से महरूम है, पुरसकून नींद से महरूम है, वो अपने सफर हजर में, अपने टेबल, साइड टेबल में या बिस्तर के साथ छोटा सा ड्रॉपर, छोटी सी बोतल इसी दम वाले तेल की रख लें। आप ये दम वाला तेल कुकिंग में इस्तेमाल करें, घर के खाने में, पकाने में। आपका अगर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा तेल चंद कतरे डाल दें, बरकत शामिल है। देसी घी इस्तेमाल करते हैं, चंद कतरे डाल दें। आप घी वैसा इस्तेमाल करते हैं, चंद कतरे डाल दें, तेल बढ़ाते जाएं। इसकी तासीर घर में जाएगी, घर के खाने में जाएगी, घर के पकाने में जाएगी, घर की रोटियों में जाएगी। अजीब इसकी तासीर है, अजीब इसकी तासीर है। मुझे एक जगह मैं गया, एक बंदा कहने लगा जी मैं आपको रोटी खिलाऊंगा, मेरी दावत कबूल करें। मैंने कहा तेरी दावत के अंदर कोई ऐसी खास शान है तेरी कबूल करूं? कहने लगे जी एक मेरी बकरी है, उस बकरी को आज तक मैंने रिस्क हराम नहीं खिलाया। एक दूसरा, वो बकरी मेरी तिलावत में साथ बैठती है, मैं कुरान ऊंचा ऊंचा पढ़ता हूँ, बड़ी गौर से सुनती है और कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी देखता हूँ। तीसरा, जब भी उसका दूध दोहता हूँ मैं पूरी सूरत यासीन पढ़ता हूँ। चौथा, मैंने हमेशा उसके कानों में आमाल और कुरान पढ़ पढ़ के फूंका है। कहने लगे अगर वो बकरी होती तो आप गुमान नहीं कर सकते कि वो क्या होती। उस बकरी के दूध को दोह के उसमें आटा गूंद के उसकी रोटी खिलाऊंगा। मैं कहा ठीक है, तेरी दावत कबूल है। उस बकरी का दूध दोहूंगा, आटा उसी से गूंदूंगा, उसमें पानी नहीं होगा, उससे रोटी करके आपने, मैंने कहा फिर रोटी तेरी होगी, मैं पतली दाल खाऊंगा फीकी और कुछ नहीं। कहने लगा वो आपकी मर्जी है, रोटी वही खिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। सफेद पोश आदमी, बकरियां रखने वाला, उसकी जो मैंने रोटी खाई, दूध में गूंधी रोटी, और दूध भी वो, लेकिन तेल अपनी जगह पे, पर तेल वो है जिसमें सूरतुल काफिरून की तलवारों के वार हुए पड़े हैं। हाँ, अल्लाह की तौहीद, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़ के अलल बातिल। अरे वे अल्लाह मेरा कुरान में फरमाता है, जब मेरे हक की तलवार का वार शिर्क और बिदअत के बातिल पे होता है, आगे फयदमग़हु फ़इज़ा हुआ ज़ाहिक़ुन। हाय 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 हाय, इसका तर्जमा कि उनकी खोपड़ी उड़ जाती है, उसका भेजा निकल जाता है जब अल्लाह के अमर की ताकत की सूरतुल काफिरून की तलवार लगती है। बीमारियों का खात्मा, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई, गुस्सा है, उसका खात्मा, बच्चों के अंदर नाफरमानी के, बगावत के आसार, पढ़ाई नहीं पढ़ते, उसका खात्मा। मैंने तो कहा है 9 बड़ी और 90 बीमारियां छोटी, उसको छोटी कहें बड़ी कहें, सबका इसमें हल है, इस तेल में, दम वाले तेल में। इसको ऐसे ना समझिएगा मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, वाकयात बताना शुरू कर दूं, आप किससे कहानी समझ लेंगे। मेरे पास तो मुशाहदात की दुनिया है, वाकयात की दुनिया है, हकायक की दुनिया है, तो किससे कहानियां मेरे पास नहीं है। मैं तो लोगों से सीखता हूं, आप हजरात से सीखता हूं, आप हजरात को लौटा देता हूं। आप आके मुझे खत के जरिए और मुलाकात के जरिए और वैसे वाकयात के जरिए बताते हैं, वो चीज मैं आपको लौटा देता हूं। इस तेल को जिंदगी का साथी बनाएं, और यह कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। सरसों का तेल लें, जैतून का तेल लें, साथ शहद रख लें, इस्तेमाल कर लिया करें, चीनी रख लें, उसमें भी दम कर लिया करें, घर में नमक रख लें, उसमें भी दम कर लिया करें, साथ साथ नमक को, चीनी को बढ़ाते जाएं, कभी कम ना हो। और तेल का इस्तेमाल अपने जिस्म के लगाने के लिए, तेल का इस्तेमाल, जिस दिन आपको तौलिए से झगड़ा हो जाएगा, आपका तौलिए से, उस दिन आप ठीक ठाक हो जाएंगे। नहाने के बाद ये दम वाला तेल हल्का से बदन पे, गीले जिस्म पे मलें, सर पे मलें, फिर बाजुओं पे मलें, फिर बगलों में, फिर सीने पे, फिर कमर पे, फिर रानों में, फिर जो है पांव पे, हल्का मलते जाएं। उसके बाद पानी नहीं बहाना क्योंकि जिस्म गर्म हो गया होगा। फिर कपड़े पहन ले। मुझे कहने लगा मेरा नाना 90 साल का है, दांत ठीक, आंख ठीक, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, वो नाना नहीं। मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं रेस कोर्स में जा रहा था सैर करने के लिए, एक बाबा कोई 70-80 के करीब, बिल्कुल सूखा सहमा, ये जांगा पहना हुआ और ऐसे भाग रहा बाबा, बिल्कुल सूखा, अंदर पेट घुसा हुआ। मुझे एक बंदा कहना है कि बाबे कल कोई चांदा की है, वो ना तेरा कोलेस्ट्रोल है, ना बाबा तेरा पेट बड़ा हुआ है, ना बाबे कल पूछ लीजिए चांदा की है। वो कहने लगे, मैं बाद में मुझे समझ आई कि असल में किसी ने उसको फिटनेस का बताया होगा। हकीम डॉक्टर किसे कहते हैं? जो तंदुरुस्त बंदा इजराइल के हवाले करे उसे हकीम डॉक्टर कहते हैं। इजराइल कहते हैं जनाब जज़ाकल्लाह, बड़ी परेशानी नहीं हुई, एहतियात से सब कुछ मिल गया। तंदुरुस्त बंदा जो इजराइल के हवाले करे उसे मुआलिज कहते हैं। इजराइल तो आधा आधा है। तो क्या बात कर रहा था? 90 साल का मेरा नाना है, बिल्कुल फिट है, लेकिन आज तक जब भी नहाता है पूरे बदन पे तेल लगाता है, हल्का सा तेल, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हुनाल सियाल, सर्दी हो या गर्मी हो, हल्का सा तेल लगाता है। नाक में तेल लगाएं, इसी नाक को बदन पे लगाएं, कहीं नहीं लगा सकते, बदन पे नहीं लगा सकते। जो नाक में तेल लगाना पता है कोई मुश्किल अमल है? हैं? अब मेरी बात फिर गौर कीजिएगा, जो आपको मैं मोती मजीद देने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। देखें, एक तरफ मेरे आका की वो हदीस मुबारक, सही हदीस है कि शैतान रात को नाक की नथनों में रात गुजारता है, ये पक्की हदीस है। और मेरे सारी दुनिया की रिसर्च, सारी दुनिया की तहकीक, अपनी तहकीकात करने के बाद जब वो रिसर्च का दरवाजा खोलते हैं तो सामने हदीस मुबारक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं। आज से सदियों पहले मेरे मदीने वाले ने वो फरमा दिया था जो आज साइंस वापस पलट रही है। कहने लगे ये पूरे वर्ल्ड में गेमों के मुकाबले होते हैं, 3-3 दिन गेमें होती हैं और डॉलरों के हिसाब से फिर इनाम निकलते हैं। वो 2 दिन नेट के सामने बैठा रहा, गेम का मुकाबला करता रहा, 2 दिन बेहोश हो गया, कोमे में चला गया, डॉक्टर थक गए और उसको होश ना आ सका। जरा गौर से सुनना, आप मेरी बात में उछल पड़ेंगे, गौर से सुनना। कहने लगे डॉक्टर जो हैरान हुए और उसको होश में ना ला सके, आखिर एक डॉक्टर ने कहा इसको नए नोटों की खुशबू सिंघाओ। इन्हीं नोटों की खातिर बेहोशी में जब उसने खंजर मारे, अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, बेहोशी में चले गए थे, गनूदगी में, कोमे में। पर जब नमाज का वक्त होता था अंदर वो चीज मौजूद थी। फरमाता था या उमर, नमाज का वक्त है, फौरन आंख खुल जाती थी, नमाज के बाद फिर बेहोशी में चले जाते थे। 2 दिन या 3 दिन इसी हालत में फौत हो गए हल उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनको जब, उस जवान को जब नाक में सुंघाए गए नोट तो होश में आ गए। जो दिल में होगा उसी की खुशबू से जहान चलेगा। मैं क्या क्या कहानियां सुनाऊं। वो सड़क पे एक माई बेहोश पड़ी थी, उसने कहा जी इसको होश नहीं आ रहा। जमादारनी थी, बडेरी की नजर पड़ गई, पैकर हुस्न जमाल थी, उसने अपने निकाह में ले लिया और उसके घर के अंदर हुल्ले, खुशबुएं और भारे, और वो थी गंदगी की बू की आदि, आखिर बेहोश हो गई। अब किसी चीज से होश ना आई। एक पुराना बंदा कहने लगा मेरे पास एक नस्वार है, देख अभी होश में आएगा। उसने जो दी ना नस्वार, एकदम 14 तबक रोशन हो गया। उसने कौन सी नस्वार थी? उसने कहा कहीं से पखाना पड़ा था, खुश्क पीस के इसको नाक में दी नस्वार, ऐसे जो सूंगा है एकदम नस्वार है। उन्होंने कहा मेरे पास नस्वार है, 1 मिनट में ऐसे ये होश में आ जाएगी, देख तो सही। हमारी तबीयतें कुरान के साथ ढल जाएं, मिल जाएं, कुरान की तासीर के साथ, मदीने वाले के फरमान के साथ, और फिर हमारे होश आ जाएं। जैसे नोट सिखाने से होश आया, पखाना सिखाने से होश आया। और मेरे आका के खास और खास गुलाम अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ कान में कहने से होश आया। ऐसे ही ये नाक में लगे तेल, जहां इसके मेडिकली फायदे अपनी जगह पे बेशुमार हैं, और सूरतुल काफिरून की तासीर, वो अंदर जो बसेरा किए हुए चमगादड़ हैं, जो मैंने एक शख्स का ख्वाब सुनाया आपको, जिसने मेरे ऊपर इस हदीस को खोला। ख्वाब कि मैंने देखा नाक है मेरा और उसमें छोटे छोटे चमगादड़ ऊपर से चिपके हुए हैं उल्टे, और वो बीट जो करते हैं, मैं सांस जो कहता हूं ऐसे जैसे एग्जॉस्ट की तरह, और उसके अंदर से गंदगी उनकी सांसों और मेरे अंदर जा रही, और ये गंदगी फिर जाके बीमारियां, खबासतें, गुनाह, नाफरमानियां और अल्लाह के नाम से बेतवज्जी, दरूद पाक से गफलत और मदीने वाले की सुन्नतों से एराज, फिर ये चीजें अंदर बनती हैं और बेशुमार बीमारियां। अच्छा, अगर बीमारियां सारी मेडिकली थी, यहूदी मजहब कहता है कि हमारी कुरान, हमारी जो है किताब को पढ़ो, तौरात को, तो तुम ठीक हो जाओगे। ईसाई मजहब कहता है इंजील को पढ़ो ठीक हो जाओगे। मुसलमान कहता है कुरान को पढ़ो ठीक हो जाओगे। ये सारी आसमानी किताबें हैं और मुकद्दस किताबें हैं। फिर अगर बीमारियों का जरासीम का कॉन्सेप्ट था, और वह सही है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक है, जरासीम, बीमारियां, एंटीबायोटिक, डिक्टेरिया, वायरस, ये सारा निजाम ठीक है, इसका हम इनकार नहीं करते। फिर ये तौरात फायदा क्यों देती है, फिर ये इंजील फायदा क्यों देती है, और हमारी सच्ची और पाकीज़ा मुकम्मल किताब कुरान फायदा क्यों देती है? मालूम हुआ बीमारी किसी नहुसत, किसी खबासत, किसी जिल्लत, किसी की निजासत का जरिया बनी, उसको हमने इन पाकीज़ा आयात के जरिए धो दिया। हर घर की जरूरत है ये तेल, हर घर की जरूरत है। बिल एहतमाम इस तेल का एहतमाम करें, बैठ के पढ़ें, औरतें मर्द घर वाले पढ़े हुए, बच्चे बाशऊर हैं, कुलियाई और काफिरून आती हैं, उनको बिठाएं और बकायदा पढ़ें और तवज्जो से पढ़ें और पढ़ के तेल पे दम करें। और फिर इसको एक दफा के बाद आपका जी चाहे मजीद तासीर बढ़ाना चाहते हैं, फिर पढ़ें, वक्फा दे के पढ़ लें, दूसरे दिन पढ़ लें, हफ्ते के बाद फिर पढ़ लें, इसकी तासीर बढ़ती जाएगी, कुलियाई और काफिरून की ताकत बढ़ती जाएगी, और बीमारियां और तकलीफें और लाइलाज बीमारियां जिनके इलाज कर करके थक गए हैं, यह खत्म होती जाएंगी। इक्सीर है, अजीब तासीर है इसकी, और इक्सीर है, अजीब कमाल है इसका। बीमारियों में और लाइलाज रोगों में, जो बीमारियां आपके बस में नहीं। अच्छा, आप बीमार नहीं हैं, एक और चीज भी सुनते जाइए, मोती लेते जाइए। आप बीमार नहीं हैं, अल्लाह आपको सदा सेहत रखे, आमीन कह दे सारे। आप बीमार नहीं हैं, आप इसको हिफ्ज़ मा तकद्दुम कर लें, एंटीबायोटिक खा लें। मैं हज पे था, तो वहां हज पे अमूमी फ्लो होता है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, खांसते हैं एक दूसरे के साथ, वो फिर बाकायदा दिखाते हैं, बोर्ड लगे हैं, हाथ साबुन से धोवो, मास्क लगाओ, ये करो। मुझे हमारे दुर्वेश थे, मुझे कहने लगे मौलाना असलम शेखपुरी साहब, मुझे कहने लगे ये मुझे ना नाक में नजला जुकाम हर साल हो जाता है, क्या करूं? मैंने कहा मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मैंने कहा मैं जो है ना अपनी बचपन की शरारतों में एक शरारत ये भी करता था, शहद डाल देता था, मक्खियां आके बैठती थी, फिर एक टांग उनकी फंसती थी, फिर दूसरी फंसती थी, फिर तीसरी, फिर वो फंसती थी, फिर धंसती थी, फिर उसके मैं तमाशा देखता था। मैंने कहा आप ना नाक में जैतून का तेल लगा लें, उसमें सूरत कुल या अय्युहल काफिरून आप जितना पढ़ लें, सफर में है हज पे, आपके कमरे में कोई अहबाब है उनसे कहने लगे। मैंने कहा 1001 दफा, कहने लगे मैं तो ग्रुप के साथ आया हूं, 10-10 दफा, 20 दफा, 40 दफा, 100 दफा अगर बांटूंगा तो हमारा हो जाएगा। मैंने कहा ये नाक में लगाएं और फिर ये फंसेंगे, फिर ये यूं 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 करेंगे, फिर इनकी टांग फंसेगी, फिर इनकी नाक फंसेगी, ये जिन्नात की शयातीन की, और फिर आप हंसेंगे, ये फंसेंगे। अभी आप फंसते हैं, ये हंसते हैं, देखो तुम्हें बीमारी में कैसे मुब्तला किया। अच्छा खैर, उन्होंने वो कर लिया। जब वो कर लिया, मुझे 2-3 दिन के बाद मस्जिद नबी शरीफ में मुलाकात हुई, तो मुझे कहने लगे आपने क्या बता दिया, मेरा नजला जुकाम खत्म हो गया, मेरा फ्लो, छींकें खत्म हो गई, और मैंने अपने सारे लफ्ज सबको बताया। मैंने कहा जी वो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया और ये करें, कहा जिसने किया उनको फ्लो, नजला जुकाम और ये तूफान जो है, बेपुर सकून नींद, टिश्यू भर जाते थे, गोलियां खा खा दीवाने हो जाते थे, फिर मैदा खराब हो जाता था। सारी जिंदगी की सेहत कुरान में पड़ी है। क्यों फरमाया? इसमें लोगों के लिए शिफा है। अल्लाह ने कुरान को शिफा लिखा है, अल्लाह ने शहद को शिफा लिखा है, अल्लाह पाक ने हदीस में कुरान को शिफा लिखा है, शहद को शिफा लिखा है, जैतून के तेल को शिफा लिखा है, कलवंजी को शिफा लिखा है, वजू के बाद के पानी को शिफा लिखा है, जमजम के पानी को शिफा लिखा है, और आयात कुरानी का पढ़ के फूंकना शिफा लिखा है। कुरान तो शिफा है, नमाज शिफा है, तो कुरान की शिफा से क्यों दूर जाएं? अच्छा ये बताएं, 1001 दफा कुल या अय्युहल काफिरून का पढ़ना मुश्किल है क्यों अल्लाह वाले? हाँ, 1001 दफा मैं सूरत बकरा कहता, तो मुश्किल तो वो भी नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा होती। उसने कहा हकीम तारिक बात तेरी ठीक है, पर ये 2.25 पारे गालिबन तकरीबन बनते हैं। क्यों जी? सवा दो पारों की सूरत है। मैंने बताया नहीं था कि एक बंदा बेचारा नमाज के लिए कुदरती आया, इमाम साहब को जलाल आया, उन्होंने पहली रकात में सूरत बकरा पढ़ दी। वो जानता था कि बकरा के माने गाय है, थक गया, तिलावत हो रही। उसने कहा अजीब मैं नमाज में फंसा। उनको भी ख्याल आया कि एहसास हुआ कि भाई ये तो पहली रकात ज्यादा हो गई। उसने कहा अब मैं सूरत फील पढ़ लूं। उन्होंने कहा अलम तर कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील। उन्होंने कहा गाय इतनी बड़ी थी, हाथी का क्या बनेगा हैं? बकरा के माने गाय है और फील के माने हाथी है। उन्होंने वो तो गाय थी, जब उसने फील कहा ना नमाज तोड़ के भाग गया। हट में बुलाना सारा कम कहीं कम मत गई चेते डाल गए पक गया। वो तो गाय थी ये तो फील है, हाथी है। मैंने आप हजरात को कोशिश करता हूं छोटी छोटी चीजें बताऊं, मुख्तसर चीजें। सूरतुल काफिरून आप दो बंदे पढ़ लें, अच्छा आप एक पढ़ लें, रोजाना पढ़ लें, 3 दिन में पूरा कर लें। आप एक निश्चित में नहीं पढ़ सकते, असल एक निश्चित में पढ़े तासीर और है, नहीं कर सकते, 3 दिन में पूरा कर लीजिए। पर घर की बीमारियों के लिए अजीब चीज है, अजब चीज है, कमाल चीज है। लाइलाज बीमारियां मैं तो साल हर साल से दे रहा हूं और साल हर साल से बता रहा हूं और साल हर साल से इसके कमालात देख रहा हूं। अजीब चीज है, अजब चीज है। जिस घर को मेडिकल स्टोर और जिस घर के अंदर बीमारियां और दुख और जिस घर के अंदर बदअखलाकी और झगड़े और जिस घर के अंदर आपस में मियां बीवी की नोक झोंक, नफरतें, इख्तलाफात, मेरे ख्याल में जिस घर के अंदर मां चीखती हो या बाप चीखता हो उसको भी लगाना चाहिए। मां चीखती हो और बच्चों के ऊपर जो है हर वक्त ताबड़तोड़ हमले करती हो अखलाक सिखाने के लिए, और जो बेचारा दरगुजर करे फिर उसको कहे तेरी वजह से जो है, या अगर शौहर कहे बीवी को कि तेरी वजह से बच्चे बदअखलाक हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी जरूर लगाए। ये चीज है। देखो मैं आपको छोटे छोटे टोटके बताता हूं और मेरी कोशिश होती है इंसानियत को खैर पहुंचे, मेरी कोशिश होती है इंसानियत का भला हो, मेरी कोशिश होती है ऐसी चीजें बताऊं जो आप कर सकें। ऐसी चीजें ना बताऊं जो आप कहें जी है तो ठीक पर नामुमकिन है। क्या ख्याल है, मुश्किल है, नामुमकिन है? मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इसको कुकिंग में, खाने में, पीने में, पकाने में, हत्ता के आटा गूंदने में इसको डाल लिया करें। आटा गूंदने में डाल लिया करें, बदन की मालिश में डाल लिया करें, जिस्म की मालिश को इस्तेमाल करें और तेल बढ़ाते जाएं। एक दफा बढ़ा हुआ तेल 16 साल काफी है, मुद्दत उम्र तक काफी है। इस तेल की तासीर है, ठीक है ना। एक निशिस्त की एक छोटी चीज बता दो, जिस जगह बैठ के दर्श सुने, अगर उस जगह बैठ के दुआ मांगेंगे कबूलियत की तासीर 1000 गुना बढ़ जाती है। जमान और मकान जहां बैठ के, क्यों कहते हैं बाज अमल ऐसे हैं कि जिस जगह बैठ के इबादत करें उसी जगह बैठ के दुआ मांगे उसकी तासीर 1000 गुना बढ़ जाती है। जहां बैठ के इबादत करें, अल्लाह और अल्लाह के हबीब का तस्करा खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। आप जो बैठे हैं और बात सुन रहे, बहुत बड़ी इबादत है, ये तस्करा इबादत है। उसी जगह बैठ के दुआ मांगना, उसी जगह बैठ के दुआ मांगना। मुझे एक साहब कहने लगे मैंने जब से ये तेल लगाया, कहा कि मेरा पहले दिल करता था हर किसी से लड़ूं, इसको गोली मार दो और इसको, इसकी मैं गाड़ी उलट दूं, गाड़ी इसमें मार दूं, उसमें मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल इसमें मार दूं। कहने लगा पता नहीं क्या था मेरे अंदर, एक जनूनी मिजाज था। जब से मैंने ये तेल लगाना शुरू किया है मेरा दिमाग ही अपने, कहने लगे कि मेरा अपना दिमाग अपने कायदे पे आ गया है, यानी दिमाग मेरा ठीक हो गया। मेरा दिमाग मेरा खराब था, हर वक्त मेरे दिल में ये बात होती थी फलां से लड़ूं, मरूं, ये चीज फलां चीज। मेरे दोस्तों अपनी तबीयतों में हम ये अमाल का नफा, अमाल की तासीर ले आए और इसका यकीन हो। सहाबा कराम, अहले बैत, औलिया, सालेहीन को यकीन था, अमल का यकीन था थोड़े सी बेटे ने, थोड़ा सा बेटे ने अगर शक किया, क्या क्या किसका पानी? खुम्बी का पानी आंख में डालने से अच्छा ऐसा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वल्लाह के हबीब के गुलाम फरमाने लगे, तूने शक किया आका के फरमान पे, जा तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। यकीन के साथ चले। बेयकीन, बेयकीन तासीर को हवाओं में खो देता है। तजर्बा करने वाला होगा या नहीं होगा, यकीन के साथ चलिएगा। ये मंजिलें यकीन वाले को मिलती है और यकीन के साथ मिलती हैं। ये मंजिलें यकीन वाले को मिलती है और यकीन के साथ मिलती हैं। बेयकीन की मंजिलें कट जाती हैं। एतराज करने वाला, शक करने वाला, और शक और एतराज पे कान धरने वाला, शक और एतराज पे कान धरने वाला मंजिलें खो बैठता है, मंजिलें खो बैठता है। यकीन के साथ अमल सुना करें, यकीन के साथ अमल किया करें, और यकीन के साथ इस अमल को फैलाया करें। यकीन के साथ तवक्कल अल्लाह, मेरा अल्लाह कहते हैं आओ मुझ पर यकीन के साथ, मेरे साथ चल के देख तो सही, फिर देख मैं अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपने इख्तिदार के साथ तेरे सामने आऊंगा और अपनी ताकत को दिखाऊंगा। इस यकीन के साथ करना है और यकीन के साथ इस अमल को फैलाना है। मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन तो नहीं। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ये ऐलानात से पहले जिक्र खास न बांटा करें। मैं ये बहनें जितनी बैठी हैं दूसरी मंजिल में, उनसे भी अर्ज करूंगा, ऐलानात को तवज्जो से सुना करें, बहुत एहतियात से सुना करें। आज इंशाल्लाह दस्तरखान खवातीन को लंगर दस्तरखान पे दिया जाएगा, और दस्तरखान पे जितना ज्यादा तवज्जो हो, खाना जाए ना हो, शोर ना हो, और नेमत की कदरदानी हो, मर्दों की तरफ भी और खवातीन की तरफ भी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लंगर आप खा रहे हैं, हमेशा तस्बीह खाने से अपना मुकद्दर खाते हैं, मुझ पे एहसान नहीं करते, ना मैं मुझ पे एहसान, मैं आप पे एहसान करता हूं। ना ये ज़कात है, ना फितराना है, ना सदका है, ना खैरात है। क्यों? ज़कात, सदका, फितराना ये गुरबा खा सकते हैं, उमरा या जो खुद देने वाले नहीं खा सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क हलाल है। मेरा अल्लाह लगवा रहा, बीमारियों में नहीं लगवाता। जो दवाओं के जरिए, जो चीजों के जरिए मिलता है, मेरा रब अगर यहां लगवा देता है, उसका शुक्र नहीं है? बीमारियों में लग सकता था, कुत्तों की रेसों में, रेछू की रेसों में, घोड़ों की रेसों में, जुए में, हादसों में। वो लगवाना जानता है। रिस्क की कदर करें, रिस्क तुम्हारी कदर करेगा। मुझे बंदे ने बताया, अभी उम्र से मेरे एक मोहसिन आए, कहने लगे सऊदी अरब ने फला मुल्क से कर्जा लिया, फला मुल्क से कर्जा लिया, फला मुल्क से कर्जा लिया। मेरा ऐसे दिल बैठा जाए, दिल बैठा जाए, दिल बैठा जाए। और फिर कहने लगे मैं 1993 में गया था वहां, कि वहां दस्तरखान पे जो कुछ पड़ा होता था उतार के डस्टबिन में डाल दिया। रिस्क की बेकदरी। एक दरवेश ने मैंने खुद सुना कि बांग्लादेश वालों ने चावलों की, खाने की, मछली के बेकदरी की, थोड़ा खाया बाकी सारा ढेर पे फेंक दिया। रब ने ऐसी गुर्बत दी, ऐसा फक्र दिया, ऐसा फाका दिया कि फिर वो गंदगी के ढेर से उठा के खाया। और उर्दू का मुहावरा बन गया भूखा बंगाली है। दुबई में एक साहब है हमारे दोस्त, उनकी कंपनियां हैं, उनके पास बहुत से बंगाली काम करते हैं। वो कहते हैं मेरा तजर्बा है, बंगाली बंगाली को मिलने आता है, सबसे बड़ी उसको प्रोटोकॉल बंगाली एक दूसरे बंगाली को अगर देगा तो वो ये कहेगा खाना खाना है, फौरन खाने का पूछेगा, भूख का पूछेगा। जिन घरों में रिस्क की बेकदरी, जिन जगहों पे रिस्क की बेकदरी, रब को बड़ी गैरत आती है। मांगा करें सऊदी अरब के लिए, अल्लाह इसको फकीर गरीब ना करे। लेकिन हुब्ब दुनिया ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। तो इसलिए खवातीन लंगर का एहतराम करें। जिन हजरात को अबकरी की पोस्ट नहीं मिल रही, वो अपनी फेसबुक पेज पर सेटिंग देख ले, फिर ये ऐलान फिर सुन लीजिए। पूरी दुनिया में आप भी, जिन हजरात को अपनी की पोस्ट नहीं मिल रही, वो अपनी फेसबुक पेज पर सेटिंग देख लें, वहां मौजूद है, इंशाल्लाह उनको पोस्ट मिल जाएगी। अगला ऐलान है, इंशाल्लाह कराची में दर्स होगा 2 अप्रैल को बरोज एतवार दोपहर 1 बजे 2 अप्रैल बरोज एतवार दोपहर 1 बजे साइमन टावर है जंग प्रेस के साथ। खवातीन के लिए पर्दे का इलादा इंतजाम। और इसी एतवार को यहां इसमें आजम का दम होगा सुबह 7 बजे। इसी एतवार को परसों एतवार को जो एतवार आ रही सुबह 7 बजे इसमें आजम का दम होगा। 8 बजे तक गेट बंद न हो जाए, वक्त की पाबंदी कीजिएगा। और इंशाल्लाह बेशुमार लोगों को अल्लाह अपने नाम की बरकत का फायदा अता फरमाए। अहमदपुर शर्किया में इंशाल्लाह दर्स होगा 2 जुलाई बरोज एतवार सुबह 8 बजे। और उसके साथ इसमें आजम का दम किया हुआ खासुल खास एक तावीज और धागा भी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। हर आने वाले को ये पोस्ट नहीं हो सकेगा। और इसी एतवार को हल्का कश्फुल महजूब हमारा तय हुआ था, जिस एतवार को दर्स होगा उसी की शाम को ही हल्का कश्फुल महजूब होगा, हाँ दम होगा। जिस एतवार को दम, तो हल्का कश्फुल महजूब और मुराकबा वो भी इसी एतवार शाम को होगा मगरिब के वक्त। और जो इसी एतवार को सुबह 7 बजे क्या होगा इसमें आजम का दम होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारा अबकरी का इज्तिमा जो है तस्बीखाने का 24, 25, 26 नवंबर को होगा। उसके लिए अभी से दुआओं का एहतमाम, तैयारियां। 23 की शाम असर से लेकर 26 एतवार की सुबह दुआ होगी। तो उसके लिए अभी से अल्लाह से मांगना, अल्लाह से दरखास्त करना आफियत के साथ। हर फितनों से अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। अभी से अल्लाह से अर्ज करना शुरू कर दें। हामीम लायुन सरों, बहुत तवज्जो से 313 बार मेरा तसव्वुर, मेरी नस्लों का, तस्बीखाने का, मेरे साथियों का, इस सारे निजाम का, दरूद महल का, तस्बीह, इनका निजाम का तसव्वुर करके पढ़ें कि अल्लाह हिफाजत, किफायत, किफालत और बरकत का निजाम बताए। और इस तरह या हाफिजो या सलाम 11 बार या एक तस्बीह भी इसी तसव्वुर के साथ जरूर पढ़ें। इंटरनेट तस्बीखाने और मोती मस्जिद में बाज खवातीन और मर्द खुद को मेरा रिश्तेदार, क्लास फेलो, खलीफा और उस्ताद होने का दावा करके मुख्तलिफ वसवसे फैलाते हैं, बदगुमानियां फैलाते हैं। एहतियात करें, उससे नुकसान माल, जान और बहुत नुकसान हो सकता है। दरूद महल, रूहानी मंजिल, तस्बीखाना, हजवेरी महल और दारो तौबा के लिए अमाल का चंदा चाहिए हमें, 2 रकात नमाज नफिल, अल्लाह से सारी जरूरतें पूरी करवाने के लिए। और हर दुआ में अपने तिब्बी रूहानी तजर्बात और मुशाहदात खवातीन मर्द जरूर लिखें, फेसबुक, नेट, ईमेल और खत के जरिए। जिसको मिला खिदमत और इबादत के जरिए मिला। तस्बीखाने में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने गुजारे खिदमत के जरिए, खिदमत के लिए और इबादत के लिए। और रिटायर और बूढ़े हजरात अपनी जिंदगियां वक्फ करें। यहां पर खिदमत करने वालों को गिफ्ट, हदिया, बख्शीश हरगिज न दें। और आप उसमें रिश्ते, मामले और मामलात अपनी सवाबदीद पर करें। किसी को अपने घर का पता, मोबाइल वगैरह न दें। जिक्र खास का कार्ड अमानत है, कहीं खयानत न हो, साथ न ले जाइएगा। शजरा तैयबा, मुंतखब अहादीस और आदाब मार्फत हर घर की जरूरत है, जरूर पढ़ा करें। और अपने मोबाइल पर फॉलो अपकरी का मैसेज जरूर लगाएं, इससे खैरें आपके मोबाइल पे आएंगी और आपको फायदा होगा। वुजू के लिए अपने जूते इस्तेमाल करें, दूसरों के जूते। और अपनी जेबों और जूतों की खास उस वक्त हिफाजत करें जब दुआ के बाद मजमा टूटता है और लंगर नीचे लगा हुआ होता है। नीचे लंगर के लिए आप तशरीफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग में तामुन करें। यहां मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब रहते हैं, सबके हकूक हैं। और फेसबुक पर खुद आमाल ना बताएं, आमाल शिफा की साइट की तरफ मुतवज्जे करें। और मांगने वाली मर्द औरतों की हौसला अफजाई ना करें। गली में औरतें मर्द जगह जगह खड़े ना हों। और औरतें मर्दों का रास्ता इलादा है, आपस में इख्तलाफ न हो। औरतों के रास्ते इलादा हैं, मर्दों के इलादा हैं, अपने रास्तों को न छोड़ें। जब लंगर शुरू हो सारे हजरात लंगर में तशरीफ ले जाएं। बाज़ औक़ात लंगर खत्म हो जाता है, मुसाफिर परदेसी फिर परेशान होते हैं। खवातीन हर हालत में दर्स में शामिल हो सकती हैं। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। दिल की दुनिया, रूह की दुनिया और रूहानी भेद जानने के लिए हल्का कश्फुल महजूब के दर्स मुसलसल सुने और हल्का कश्फुल महजूब में जरूर शामिल हों। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और इस बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। हमारे लहजों लफ्जों और नियतों का अगर कोई खोट है, रब माफ भी करे कबूल भी फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान या अव्वलुल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। हलीम अल करीम अफूवन करीम, हलीम अल करीम अफूवन करीम। या हलीम या करीम या अली या अजीम या करीम या करीम या करीम। ईमान दे दे, इखलास दे दे, अखलाक दे दे, बरकत और आफियत दे दे, दिल की दुनिया बदल दे, मन की दुनिया बदल दे, जज्बों की दुनिया बदल दे, हमारे शौक बदल दे, हमारे चेहरे बदल दे और हमारा अंदर बाहर बदल दे। दुनिया आखिरत की खैरें दे दे, मदीने वाले का नूर दे दे, मदीने वाले का नूर दे दे। अपनी जात की मार्फत दे दे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए कबूल फरमा, अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए कबूल फरमा। खात्मा ईमान पे कर दे, जिल्लत की जिंदगी से बचा, जिल्लत की मौत से बचा, मकाफात की जिंदगी से बचा, माफी अता फरमा, दरगुजर कर दे और शफकत फरमा दे। हमारे गुनाहों की मकाफात हमारी नस्लों पे न कर, बस माफी दे दे, बस दरगुजर दे दे, बस शफकत का मामला फरमा, अफ का मामला फरमा, अफियत का मामला फरमा। अगर हम मकाफात से गुजर भी रहे हैं तो टाल दे, तू माफ कर दे, तू रहम कर दे, तू कर्म कर दे। तेरे कर्म से होगा, तेरे रहम से होगा, तेरी शफकत से होगा, तेरे फैसलों से होगा। दुनिया में भी खैरें दे दे, आखिरत में भी खैरें दे दे और दुनिया में भी बरकतें दे दे, करीम आखिरत में बरकतें दे दे। हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे, आखिरत भी बेहतर कर दे। अल्लाह में जिल्लत से निकाल दे, इल्लत से निकाल दे, किल्लत से निकाल दे। अल्लाह जिल्लत इल्लत और किल्लत से बचा, मक्की के दरवाजे खोल दे, रहम के दरवाजे खोल दे, फजल के दरवाजे खोल दे। अल्लाह अपनी अताओं को वसी फरमा। दुखियारे मजमे में आए हुए परदेशी फकीर सखी शहनशाह, तो परदेशियों की दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह सफेद दाढ़ियों वाले मासूम बच्चे, तौबा करने वाले जवान और अल्लाह शर्म भरम और हयाएं रखने वाली माएँ और बेटियाँ सभी मजमे की दुआएं कबूल फरमा। कुछ रोने वाले, कुछ आंसू बहाने वाले, कुछ सिसकियाँ लेने वाले, कुछ अपने गुनाहों को याद करके तौबा करने वाले, कुछ नदामत के आंसू बहाने वाले, अल्लाह के दिल की दुनिया आबाद करने के लिए फिक्रमंद होने वाले। अल्लाह किसी का दुख है, किसी का गम है, कुछ परेशान है। मौला एक मजमा है सखी, वहाँ है तेरे पास। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमा, वहाँ हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। वहाँ उसको कबूल फरमा के उम्मत के लिए ईमान का जरिया, हिदायत का जरिया, बरकत का जरिया, आफियत का जरिया और अफ का जरिया बना दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे, मरीजों के मैं शिफा दे दे, तकदस्तों की तकदस्तियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह के घर को घर दे दे, बेदर को दर दे दे, बेचारों को सहारा दे दे। अल्लाह दिल की रोशनी दे दे, कब्र की रोशनी दे दे, नूर दिल का दे दे, आंखों का सरूर दे दे। अल्लाह भटके मुंह को रास्ते दिखा दे। अल्लाह हमारे हुक्मरानों की हिफाजत फरमा, महकूमों की हिफाजत फरमा, ए छोटे बड़ों की माता हिफाजत फरमा, वहाँ हमारी कचहरियों की हिफाजत फरमा, ऐवानों की हिफाजत फरमा, छावनियों की हिफाजत फरमा, शब्दों की हिफाजत फरमा, एटमी निजाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे बादशाहों की, अमीरों, गरीबों, फकीरों, वजीरों की सबकी हिफाजत फरमा, गलियों बाजारों की हिफाजत फरमा, हमारी सनत और तिजारतों की और अल्लाह खेतों खलियानों की हिफाजत फरमा। मक्तू गैर से अपने अजाब से बचा, अपनी नाराजगी से बचा, अपने गुस्से से बचा। अल्लाह जिल्लत की राहों से बचा, जिल्लत के रास्तों से बचा, आफियत की राहें अता फरमा, आफियत के रास्ते अता फरमा तो तेरे हाथों को खाली न भेज मौला, अगर मेरे हाथ इस काबिल नहीं किसी की आमीन की वजह से मेरी आमीन कबूल कर ले, अगर किसी की आह को मेरी आह में मिला दे, किसी दुखियारी की वजह से मेरे दुख भी टाल दे और मेरे गम भी टाल दे। सफी इस काबिल नहीं इस काबिल बना ले, इस काबिल नहीं इस काबिल बना दे। दुनिया में भी खैरें अता फरमा और आखिरत में भी खैरें अता फरमा, और दुनिया में भी बरकतें अता फरमा और आखिरत में भी बरकतें अता फरमा। सदा बिन मांगे अता फरमा, सदा बिन मांगे अता फरमा, सदा बिन मांगे अता फरमा। जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, लिखा, चाहा, उनकी दुआएं कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिही व सहबिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमईन, आमीन बिरहमतिक या अरहमर। जी कौन बताएगा किसी को किसी अमल से फायदा पहुंचा किसी टोटके से, कौन बताएगा? हाँ जी आप बताएंगे, और कौन बताएगा? जी आप बताएंगे, और इनको माइक दे। अच्छा आप बताएंगे, आप जी इनको माइक। आप इधर से किसने हाथ खड़ा किया? इधर आपने, इधर भी किसने हाथ खड़ा किया था आपने? ठीक है पहले इनको दे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम भाई। सर मैं आपके बताया हुआ 40 बार या हफीजो या सलामो 45 बार या कादिरो या नाफियो का मुसलसल अमल करता हूँ। उससे अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक रहती है, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से महफूज हूँ, और मेरा जो जॉब का काम है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। कोई तकलीफें परेशानियाँ नहीं हैं। जो मतलब पहले वर्करों के साथ जो चपलिश थी या मालकान थे वो सब खत्म हो गया, आसानियां आ गई जिंदगी में, सुकून हो गया, चैन हो गया, किसी किस्म की परेशानी नहीं रही। या हफीजो या सलामो 41 बार और 45 बार अपना या कादिरो या नाफियो या सलाम 11 बार और 45 बार या कादिरो या नाफियो। जी ठीक, और बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 मंथ पहले मैं एक फैक्ट्री गया इंटरव्यू के लिए, तो फैक्ट्री जाने से पहले मैंने आखिरी 5 सूरतें और 6 बिस्मिल्लाह पढ़ी। आप यकीन करें कि मैं एग्जैक्ट उसी फैक्ट्री में पहुंचा जहाँ पे मुझे जाना था, और मेरे साथ जो इंटरव्यू देने आए थे वो कहते हैं हम यहाँ से 3 दफा होके गए हैं बट हमें फैक्ट्री का एड्रेस बिल्कुल नहीं मिला। ये इसकी बरकत से मैं एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुँच गया था। जज़ाकल्लाह। जी और बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन सब या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कोई चीज गुम हो जाए उसके जो है ना 3 दफा या 7 दफा पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे फौरन मिल जाती है। रात मेरी तस्वीर गुम हो गई थी तो मैं बहुत परेशान हो गया था, तो तकरीबन मैंने 3 दफा पढ़ी तो अल्लाह पाक ने जो है वो दूसरे कपड़ों में तस्वीर पढ़ी थी तो फौरन दिमाग में आ गया। और मैं दर से अक्सर शाल मार्केट से आता हूँ तो रास्ते में रश बहुत होता है, तो सूरह अलम नशरा इतनी पढ़ता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में हमें 10 से 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच जाते हैं सूरह अलम नशरा की बरकत से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जब पहली बार इधर आया दर्स सुनने के लिए तो मेरा जो करीबी एक रिश्तेदार था वो किसी नशे में मुब्तला था, तो मैंने उसका तस्वुर लेके और यानी कि ये वो उसको अल्लाह पाक सीधे रास्ते पे ले आए, तो और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुझे ये मिला कि या कहारू पढ़ो उसका तस्वुर करके, और तो मैं वो अमल करता रहा या कहारू पढ़ के उसको तस्वुर करके उसको भोगता रहा। और जब मैं घर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब नमाज पढ़ने लग गया है। जी और बताइए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डॉक्टर के पास लेके गए तो ठीक हो गई, फिर वापस आई तो फिर सांस बंद होना शुरू हो गया। अमाल करते रहे लेकिन ठीक नहीं हो रही थी, तो घर वालों ने छोटे भाई को कहा कि आपने रमज़ान तस्बीह खाने में गुजारा था, हज़रत जी ने आपको सूरत काफिरून की इजाज़त दी थी पढ़ने की और पढ़ाई भी थी, वहाँ पर अमाल करवाए थे, तो आप सूरत काफिरून क्यों नहीं पढ़ते? तो भाई ने नियत की कि मैं 40-40 मरतबा करके 7 मरतबा ये सूरत काफिरून पढ़ूंगा। अभी 3 मरतबा मुकम्मल हुई थी और 4थी मरतबा पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख बंद हुई तो उसने देखा कि कोई हस्ती या बहुत बड़ी, ये छत से भी बड़ा कद था उनका, वो खड़े थे और उन्होंने एक औरत को पकड़ा और उल्टा कर दिया उसको। वो चीखो पुकार कर रही थी, कुछ चुड़ैल तरह की उसकी शक्ल थी। तो फिर वो कमरे में गए हैं और कमरे में झुक के उन्होंने सारा अंदर दाखिल किया, बहुत बड़ा कद था। और उन्होंने कहा कि अम्मा से पूछो अब तबीयत कैसी है। तो इतनी बात हुई है भाई की आंख खुल गई है। उसने जाके देखा तो वालदा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ये सूरत काफिरून की बरकत है और जो तस्बीहाने में यहाँ पे उसने वक्त गुजारा और आपने इजाजत दी, ये सब उसका फायदा है। अस्सलाम वालेकुम। खुरम शमशी नाम मेरा। हजरत जी का एक दर्स सुना था जिसमें हजरत जी एक दूसरे को माफ करने और तो हदिया देने वाली बातें थी। इसी तरह के 2 मुशाहिदात मेरे पास मौजूद हैं। एक, मैं अपनी गाड़ी किसी से पेंटिंग करा रहा था तो उसके बच्चे उसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो या उसकी किसी ना रोजाना किसी ना किसी साथ से ज़हनी इख्तिलाफ हो जाता था। तो मैंने उसको गुजारिश की, मैंने कहा आप दुरूद शरीफ पढ़ के हदिया करें। और कुछ ही दिनों में उसने बताया कि अब मेरे साथ कोई भी मामला होता है मैं बड़े इत्मीनान से कहता हूँ कि यार अब ये मामला सेटल हो जाएगा और मैं हदिया करता हूँ दुरूद शरीफ का और अल्लाह पाक होगा। इसी तरह अक्सर औकात घरों में नाचाकी रहती है और किसी ना किसी बात पे नोकझोंक होती रहती है और जिससे ज़हनी इख्तिलाफ या टेंशन एंजाइटी जनरेट होती रहती है। उसी वक्त जिस वक्त एक दूसरे से ज़हनी इख्तिलाफ वाली बात हो, एक दूसरे को माफ कर देने से अगले लम्हे हालात बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, मेरी बेटी और मेरी नवासी आपके पास आए थे। मेरी नवासी चल नहीं सकती थी, आपने उनको एक अमल बताया था ताले वाला और कुछ अमल बताया था। अच्छा, वो ताले वाला जब अमल था, वो ताले वाला अमल जो किया वो 40 दिन का था, लेकिन 37 दिन के बाद वो चीज़ हाजिर हो गई थी और बाकायदा फिर मेरे उसके साथ मुलाकात हुई है। मैंने उसको बोला तो इसका पीछा छोड़ दे, वो कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर मुकालमा ये हुआ कि वो कह रहा मैं हिंदू हूँ। मैंने बोला तो फिर तुम मुसलमान हो जा। अल्लाह शुक्र है, फिर वो मैंने उसको कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया और वो जान छोड़ गया। तो अभी मेरी बेटी जो है वो उस अमल जो उस जिनजा था, हिंदू था, उससे तो निजात मिल गई है। लेकिन अभी मेरी जो नवासी है वो अभी 21 दिन आपने बोला था 21 जुमेरात यहाँ पे आना है, अभी वो आ रही है लेकिन अभी तक वो उसकी प्रॉब्लम ऐसी है जी। और बताएं जी, और किसने बताया? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम साहब, मुझे ना सीने में घुटन महसूस हो रही थी, तकरीबन नवंबर की बात है। कार्डियोलॉजी में चेक करवाया तो उन्होंने कहा जी आपकी एंजियोग्राफी होगी। 11 नवंबर 2017 को उन्होंने टाइम दिया। आज जो आपने अमल बताया कि दिल का ढक्कन खोल के उसमें इसमें साथ अल्लाह रखना, अजब ये मैंने करना शुरू किया उसके बाद से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे बिल्कुल कोई दिल की तकलीफ, सीने में घुटन वगैरह कोई नहीं और मेरी एंजियोग्राफी भी अब नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बिल्कुल ये कंडीशन बिल्कुल सही है जी। और कौन बताएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल है और मैं बताना चाहता हूँ कि घर में ना हमारे अक्सर पानी नहीं आता। तो हजरत ने एक दुआ बताई थी, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वाली। इसे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ता हूँ तो अभी मैं अपनी आयत पूरी 3 मरतबा नहीं पढ़ी होती तो पानी आ जाता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने की अल्लाह ने इतनी आदत दी है, अल्लाह का शुक्र है कि इससे हर वक्त अल्लाह ताला की याद दिल में ताज़ा रहती है। हर मसले पर, यहाँ तक के अगर कोई काम करना हो और जब तक दुरूद शरीफ ना पढ़ना शुरू करूँ वो काम शुरू नहीं होता मेरा। तो दुरूद शरीफ और ये वाली आयत जो है, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वलमुमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात अलअहयाई मिनहुम वलअमवात, इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो 3 तस्बीहां रोज में करता हूँ, पहली 30 कलमे की, दूसरी दुरूद सलाम की और तीसरी इस्तग़फ़ार की। इसकी बरकत से आज मैं तस्बीह खाने में भी आ गया हूँ। कोशिश थी मेरी तस्बीह खाने में आने की, तो आज माशाल्लाह से मैं आज तस्बीह खाने में आ गया। और दूसरा, मैं पूरा दिन जो है वो ज़िक्र अस्कार में मसरूफ रहने की बरकत मिली है मुझको। 5 वक्त की नमाज भी इसकी वजह से मुझे माशाल्लाह से मिल जाती है।